नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हालचाल है आपके सर? हम बहुत बढ़िया, आप सुनाइएगा। हम भी बहुत बहुत बढ़िया हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। रिवीजन लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपकी सेवा के लिए तत्पर हूं, ये मेरा धर्म बनता है। टैक्सेबल पर्सन हमारा अगला चैप्टर आ रहा है और आइए मालिक करते हैं इसकी चर्चा आपके साथ मिलकर। बाबा की बूटी के मुताबिक हम कहां पहुंच चुके हैं, ये रहा हमारा चार्ट। बाबा की बूटी जो पूरा माइंड मैप है हमारे इस जीएसटी का, तो गुड्स और सर्विसेज की बातें हो चुकी हैं, सप्लाई की बातें हमारी हो चुकी हैं, उसके बाद इंटर का डिस्कशन हमारा हो चुका है। टैक्सेबल पर्सन का डिस्कशन करने के लिए हम जा रहे हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई इंटर टैक्सेबल पर्सन के हाथों से होगी, तो भैया जी जीएसटी की बात करेंगे, अदरवाइज हम जीएसटी की बात नहीं करके चलते हैं। तो टैक्सेबल पर्सन का जो डिस्कशन है बेसिकली वो आपका 3 हिस्सों में बट जाता है। सेक्शन नंबर 22, 23 और 24 यहां पर आपके काम करते हैं। सेक्शन नंबर 22 ये बोलता है कि जब एक पर्टिकुलर लिमिट 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख से ऊपर आप जाते हैं तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। सेक्शन 24 बोलता है कि विदाउट चेकिंग द लिमिट आपके लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी ही है। उसके बाद सेक्शन नंबर 23 बोलता है कि कुछ केसेस के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करवाना है। तो इसी बात की चर्चा करने के लिए हम सब आज यहां पर आपके साथ में एकत्रित हुए हैं। तो मालिक ये है टैक्सेबल पर्सन। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन नंबर 22 के अंदर क्या बोल रखा है। यहां पर बताया जाता है कि आपकी 3 लिमिट काम करती हैं, 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की। तो सबसे पहले बताना जरूरी ये हो जाता है कि कौन सी लिमिट किस स्टेट में और किस सिचुएशन में एप्लीकेबल हो पाती है। देखिए, अगर आपका कारोबार गुड्स का हो या सर्विस का हो, 4 स्टेट में से किसी एक में अगर फॉल कर रहा है तो 10 लाख की लिमिट काम करेगी। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? मैंने तो मैं बता रहा हूं 5वीं बार पढ़ा रहा हूं, इन्हीं 6 महीनों के अंदर अंदर चीज को। रेगुलर बैच में पढ़ाया, फास्ट ट्रैक बैच में पढ़ाया, अमेंडमेंट क्लास सीए फाइनल, अमेंडमेंट क्लास सीए इंटरमीडिएट और अब 5वीं बार मैं आपको यहां पर पढ़ा रहा हूं। तो मुझे तो बाय डिफॉल्ट ही नंबर याद हो गया है, मतलब इसके स्टेट के नाम याद हो गए हैं। मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है और त्रिपुरा है। 4 स्टेट आपके 10 लाख की लिमिट में आएंगे ऑलवेज। 20 लाख की जो लिमिट है वो आपकी लगाई जाती है मालिक 6 स्टेट के अंदर। 6 में से पहले वाले 4 वही वाले हैं जो कॉम्पोजिशन स्कीम में लगते हैं। आपको पता है जो 75 लाख वाली कॉम्पोजिशन वाली स्कीम है उसमें 8 स्टेट आते हैं, उसके अंदर पहले 4 वो वाले हैं जो 10 लाख की लिमिट में आते हैं और अगले वाले 4 वो वाले हैं जिनका नाम 20 लाख की लिमिट में लेने के लिए जा रहा हूं। इसमें आते हैं एपी यानी अरुणाचल प्रदेश और कौन सा, यूके, उत्तराखंड और मेघालय एंड सिक्किम। 4 ये हो गए। और तेल की पूड़ियां सेकते हैं तो एक घी में सेकी जाती है और एक तेल में सेकी जाती है, तो तेल की पूड़ी। तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 6 स्टेट आपके यहां 20 लाख की लिमिट में आ जाते हैं। मतलब एक छोटी सी बात बता दो, कोई कंफ्यूजन ना हो जाए आपको। देखो, पहले मैंने 4 नाम लिए थे इसमें आपके मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये नाम लिए। ये 10 लाख वाली कैटेगरी में आ गए अपने। फिर मैंने यहां पर 6 नाम आपके साथ में लिए। 6 में कौन कौन से लिए? एपी, यूके, मेघालय और सिक्किम, ये नाम मैंने लिए। अब मैं पेन चेंज करके लिख रहा हूं 2 स्टेट के नाम, तेल की पूड़ी यानी कि तेलंगाना और पुडुचेरी की बात यहां पे कर रहे हैं। तो एक बार के पढ़ने से ही हम इसका डबल बेनिफिट लेंगे। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड लिमिट की बात करता हूं तो 10 लाख ऑलवेज यहां लगेगी और 20 लाख यहां पर आपकी काम करके चलेगी। और जब इसी बात को कॉम्पोजिशन स्कीम में जाके पढ़ते हैं तो यहां से जो सीरियली पहले 8 स्टेट आ रहे हैं ब्लू पेन वाले, इन पर 75 लाख की लिमिट की एप्लीकेबल होती है मालिक। ऐसे करके हम देखते हैं बाकी जो बचे स्टेट और यूटीज हैं उनके रेस्पेक्ट में आपकी 40 लाख की लिमिट काम करेगी। लेकिन उसमें भी कई सारी कैटेगरी बन जाती है कि अगर बाकी स्टेट के अंदर अगर आप मालिक टिप की बात कर रहे हैं, टोबैको और अपना ये आइसक्रीम और जो पान मसाला एटसेट्रा है, तो यहां पर आपकी लिमिट वही 20 लाख की ही लगेगी, ना कि 40 लाख रुपए की। बाकी 21 स्टेट बच गए ना आपके, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके बाद में अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं इन 21 स्टेट में रहकर, तब भी आपकी 20 लाख की ही लिमिट काम करेगी। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज दोनों में काम कर रहे हैं तब भी आपकी लिमिट 20 लाख ही लगेगी। और अगर अदरवाइज कैटेगरी में आप गुड्स एक्सक्लूसिवली गुड्स में काम कर रहे हैं अदर देन टिप, तो फिर आपकी लिमिट 40 लाख की अप्लाई कराई जाएगी। तो ये तो बात होगी लिमिट की, कौन से स्टेट में कौन सी लिमिट काम करके चलेगी। अब जरा मैं 10 लाख करना चाहता हूं मालिक। अब यहां पर आपको क्या देखना होगा, 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं ये चेक करने के लिए कि सेक्शन 22 में आपका रजिस्ट्रेशन कब यहां पर अप्लाई करवाया जाएगा। तो पहले स्टेप के अंदर आपको निकालना होता है, यहां पर आकर एग्रीगेट टर्नओवर आपको निकालना होगा। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए हम हर एक प्रकार की जो हमारी आउटवर्ड सप्लाई होती हैं, हमारी जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई हैं सारी की सारी जोड़ देते हैं। सीधी वर्डिंग्स में बात करूं, आउटवर्ड सप्लाई को छोड़ेंगे नहीं और इनवर्ड सप्लाई को छेड़ेंगे नहीं। इनवर्ड चाहे एनसीएम की हो आरसीएम की हो, मुझे मतलब नहीं है, और आउटवर्ड चाहे टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्टेड हो, और चाहे आपकी जीरो रेटेड हो। एग्जेम्प्टेड के आगे 3 नाम आ जाते हैं, चाहे आपकी 100% की एग्जम्पशन हो, निल रेटेड हो, चाहे नॉन टैक्सेबल हो, इंट्रा हो, इंटर हो, जैसी मर्जी हो, सप्लाई हो और आउटवर्ड हो। सर जॉब वर्कर को ट्रांसफर किया, जॉब वर्कर को ट्रांसफर किया, वो आपकी सप्लाई नहीं बनती है, इसलिए वो आउटवर्ड सप्लाई कभी नहीं बन सकती है। तो सप्लाई हो और आउटवर्ड हो तो आपकी हर हाल में ऐड की जाएगी। जो भी आपके टैक्सेस होते हैं उनको एक्सक्लूड करके हम अपना एग्रीगेट टर्नओवर निकाल लेते हैं। तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 यहां पर निकलकर आ जाता है। सब कुछ आ गया, एग्जम्प्ट टैक्सेबल सब कुछ आ गया। एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के बाद में फिर आपको क्या करना होता है, स्टेप नंबर B फॉलो करना होगा। स्टेप नंबर B के अंदर क्या बताया गया है, इसमें देखते हैं कि आप ये चेक करो कि आपके लिए एप्लीकेबल लिमिट कौन सी आ रही है। जो लिमिट होती है वो स्टेट वाइज नहीं बल्कि पैन वाइज अवेलेबल होती है, पर्सन को दी जाती है लिमिट, ना कि स्टेट के हिसाब से देखते हैं। मतलब क्या, अगर आपका एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जो आपके 4 हैं बेसिकली जो 10 लाख की लिमिट वाले में है, अगर आपका एनी ऑफ द स्पेशल कैटेगरी स्टेट में कारोबार आ रहा है, टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, इफ यू आर मेकिंग taxable supply, if you are making taxable supply from any of the special category state जो कि 4 हैं, तो फिर आपकी ओवरऑल लिमिट 10 लाख पर आकर टिक जाएगी। लेकिन अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट जो 4 हैं उनसे सप्लाई तो कर रहे हो पर वो सप्लाई आपकी टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, तो आपकी लिमिट 20 लाख की ही रहेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। तो यहां पर आकर आप अपनी लिमिट चेक कर लेते हैं जो 10 लाख या 20 लाख एज द केस में भी जो भी अपने निकलकर यहां पर आ जाती है। फिर आपको क्या करना होता है, आपको ए एंड बी जो स्टेप है इसको कंपेयर करना होता है। यहां देखो आपका एग्रीगेट टर्नओवर क्या आ रहा है और आपके एप्लीकेबल लिमिट क्या रही है। मान लो आपकी एप्लीकेबल लिमिट 20 लाख रुपए की निकलकर आ रही है और एग्रीगेट टर्नओवर था आपका 22 लाख रुपए का, जो कि इसको क्रॉस कर रहा है। तो आ जाओ स्टेप नंबर C पर। स्टेप नंबर C पर आकर आपको क्या करना है, आप जिन स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो, आप जिन स्टेट से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो उन स्टेट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ जाएगा ऐसे करके। सर अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर 18 लाख रुपए होता, तो अगर एग्रीगेट टर्नओवर 18 लाख रुपए होता तो आपका सेक्शन नंबर 22 के अंदर रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं आती। फिर आपको सेक्शन 24 के अंदर चेक करके देखना होता कि कहीं आप मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का पार्ट तो नहीं बन रहे, अगर बन रहे हैं तो वहां देखते, अदरवाइज नहीं देख के चलते। तो पहले सेक्शन 22 चेक कर लीजिए, उसके बाद में सेक्शन 24 को भी आप देखकर चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ऐसे करके हमारी यहां पर बात कर दी जाती है। ध्यान दीजिए एग्रीगेट टर्नओवर में सब कुछ आएगा, एग्जम्प्ट टैक्सेबल सब कुछ आएगा, लेकिन स्टेप नंबर 2 पर जब एप्लीकेबल लिमिट चेक करते तो सिर्फ टैक्सेबल की बात करेंगे। और थर्ड स्टेप के अंदर भी जब फाइनली रजिस्ट्रेशन कराने की बात आएगी तब भी वहां पर टैक्सेबल की ही हम बात करके चलेंगे। ये तो बात होगी हमारी लिमिट की। अब जो हमारे जीएसटी से पहले वाले पुराने पर्सन जो थे, जो माइग्रेट होकर यहां पर आए थे, उनको भी यहां पर मैंडेटरीली प्रोविजनल आरसी थमा दी गई थी। प्रोविजनल आरसी के बाद उनको एक फॉर्म और भरना पड़ेगा, उसके बाद उनको फाइनल आरसी प्रोवाइड करा दी गई। लेकिन मान लीजिए वो पुराने लाइक सर्विस टैक्स वगैरह में तो अपने रजिस्टर्ड थे, क्योंकि वहां पर थ्रेशोल्ड लिमिट कम हुआ करती थी, और लाइक बंदे का कारोबार 15 लाख के आसपास का है तो वो सर्विस टैक्स के अंदर तो रजिस्टर्ड हो रहा होगा, लेकिन कंपल्सरी जब माइग्रेट करना पड़ा तो प्रोविजनल आरसीस को यहां पे थमा दी गई। पर वो कह रहा भाई साहब मेरी एप्लीकेबल लिमिट तो यहां 20 लाख आ रही है पर मेरा कारोबार 15 लाख रुपए का है, तो जीएसटी नियमों के मुताबिक आई एम नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर माई सेल्फ। अगर ऐसा है तो आप यहां पर चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो, चाहे तो फाइनल आरसी के लिए अप्लाई करो, चाहे तो आप क्विट कर सकते हो, यानी कि आप उस ओरिजिनल आरसी को खत्म कर सकते हो, सरेंडर कर सकते हो कि भाई साहब मैं इसके दायरे में नहीं आता हूं। वैसे करके माइग्रेशन पक्का होगा, जितने भी पुराने रजिस्टर्ड पर्सन थे सबको नई आरसी दी जानी है। अब कंटिन्यू करना है, क्विट करना, वो आपके टर्नओवर के ऊपर निर्भर करके चलेगा मालिक। ठीक है जी। उसके बाद में अगर मान लीजिए बिजनेस ट्रांसफर वगैरह हो जाता है तो जो नया पर्सन होगा, सक्सेसर होगा, वो वहां पर या ट्रांसफरी जो होगा उसको एक नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका पैन बेस्ड होता है। इस कारण से पैन बदलेगा, तो जब जब पैन बदलेगा नए रजिस्ट्रेशन की बातें वहां पर करी जाएंगी। कोर्ट वगैरह के चलते हुए कहीं कोई बिजनेस ट्रांसफर होते हैं तो वहां भी एक नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है, बिकॉज वहां पर पैन चेंज आपके हो जाते हैं। सेक्शन नंबर 24 के अंदर आकर बात करते हैं, यहां बोलता है इंटरस्टेट। ध्यान दीजिए, इंटरस्टेट का जो मामला है, मैं एग्जम्पशन जो उसके संबंध में दे रखी हैं वो आपको मिला के बोलता हूं। यहां तो बोल रखा था कि इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई आप करके चलोगे तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन आगे एक एग्जम्पशन भी दे रखी है। एग्जम्पशन का इफेक्ट इसमें जोड़ता हूं तो इंटरस्टेट हो, टैक्सेबल हो, सप्लाई हो और गुड्स की हो तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर सर्विस की है तो फिर आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। या फिर मान लीजिए गुड्स की ही आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई इंटरस्टेट कर रहे हैं, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन के लिए चार शब्दों को ध्यान रखना, इंटरस्टेट हो, टैक्सेबल हो, सप्लाई हो। इंटरस्टेट भी हो, टैक्सेबल भी हो, सप्लाई भी हो और गुड्स की भी हो, चार बातें मिलेंगी तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन में सेक्शन 24 में फॉलो करोगे, अदरवाइज फॉलो आप नहीं करोगे। राइट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन की बात करते हैं जिनको 5 दिन पहले एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। 5 days इन एडवांस उनको पेमेंट भी करना होता है, और उनकी जो आरसी मिलती है उसका मैक्सिमम पीरियड इनिशियली 90 दिन का हो सकता है, जो फर्दर एक्सटेंशन और 90 दिन का मिल सकता है। 180 दिन का पूरा पीरियड उनका हो सकता है। अगर 180 दिन से ज्यादा का कारोबार आपको करना है तो फिर आपको रेगुलर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ना कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। तो इन लोगों का भी रजिस्ट्रेशन यहां पर मैंडेटरी हो जाता है, पर इनको एक सहूलियत दे रखी है कि हैंडीक्राफ्ट गुड्स के मामले में इंटरस्टेट सप्लाई करेंगे तो इनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 20 लाख 10 लाख के बाद ही एग्जम्पशन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका भाई है एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इनको हम बंजारे के नाम से बोलते हैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आपका देसी बंजारा है, और ये आपका जो एनआर है ये आपका विदेशी बंजारा है। लगभग नियम कानून सेम ही एप्लीकेबल होते हैं, जो छोटे छोटे डिफरेंसेस आते हैं। नंबर 1 कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को अपने जितने भी एलिजिबल आईटीसी बनते हैं सबका क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन जो एनआर होता है उसको इंपोर्ट ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में जो आईजीएसटी पे किया सिर्फ उसी का क्रेडिट मिलेगा, बाकी किसी और चीज का क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता। ऐसा बोलती है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जो आईटीसी के चैप्टर में आपके दे रखी है। उसके बाद में पर्सन रिक्वायर्ड टू पे अंडर आरसीएम, रिवर्स चार्ज के अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट काम नहीं करती है। रेसिपिएंट के रूप में आपको हर हाल में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। आरसीएम के प्रोविजन सेक्शन 93 और 94 के अंदर आपके बताए जाते हैं, अगर आप उनके अंदर फॉलो करके चलते हैं तो यहां पर आ जाएंगे। 94 जो है वो आपका रिसेंटली एक्टिवेट कर दिया गया है, उसके अंदर बताया जाता है कि भाई साहब अगर आप सीमेंट प्रमोटर हैं, रेसिपिएंट के रूप में आप प्रमोटर हैं, सीमेंट लेके आ रहे हैं या कैपिटल गुड्स लेकर आ रहे हैं, मैंडेटली आपको रिवर्स चार्ज में पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा बाकी कोई गुड्स या सर्विस आप लेकर आ रहे हैं तो 20% तक लेकर आ रहे हैं टोटल का, तो फिर आपका कोई आरसीएम की बात नहीं होगी। 20% से एक्सेस जितना भी लेकर आओगे उसके ऊपर आरसीएम लगा दिया जाएगा, ऐसा 94 के अंदर बोलते हैं। और जहां जहां आरसीएम आपका लगता है रेसिपिएंट को ऑलवेज, चाहे वो 93 का हो या 94 का हो, रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ता है मालिक, ऐसे करके बोल दिया जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। खुश रहा करो यार, जीवन में सबसे अमूल्य संपदा है तो वो आपका खुश रहना है, अंदर से आनंदमयी रहा करो। टैक्सेबल पर्सन की बात कर रहे हैं जो अंडर 95 आते हैं। 95 के अंदर 3 प्रकार की बात की जाती थी। HMT की, H का था होटल अकोमोडेशन की बात करते थे, M का मतलब था M का मतलब क्या था यार, होटल अकोमोडेशन हो गया, और HMTT का मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और M का मतलब था मिसलेनियस यूटिलिटीज वाली जो सर्विस होती है, जिसमें अर्बन क्लैप का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। 95 मैंने आपको चार्जिंग सेक्शन के साथ पढ़ाया था, तो वहां पर देखना होता है कि भाई रजिस्ट्रेशन कौन लेगा, किस प्रकार से लेगा। तो वहां पर जब ये उबर, ओला, ओयो, अर्बन क्लैप को रजिस्ट्रेशन जो होता है उनका मैंडेटरी करवा दिया जाता है। ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर 95 के अलावा, 95 की बातें तो हमने यहां पर कर ली, उनके अलावा जो भी ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं उनकी बात कर रहे हैं। इसमें भी एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है। अगर ई कॉमर्स बड़ा वाला है जिसके ऊपर टीसीएस के प्रोविजन लागू होते हैं एज पर सेक्शन 52, फिर तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन छोटा मोटा कोई नया स्टार्टअप के तौर पर ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिस पर टीसीएस के प्रोविजन लागू नहीं होते हैं, उनको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, उनका रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद ही करवाया जाएगा। ओईडार वाले केस के अंदर जो ओईडार की सर्विसेज दे रहा होता है बंदा, उसको इंडिया में आना पड़ता है और यहां पर आकर उसे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। माय डियर, ये हमारी चर्चा ओईडार के चैप्टर में फुल फ्लेज्ड लिंकेज के साथ एट द एंड ऑफ द कॉम्पैक्ट बुक मैंने कर रखी है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, आईएसडी की बात करते हैं। आईएसडी का जिक्र किया जाता है आईटीसी के चैप्टर में, और वहां पर सेक्शन नंबर 20 और 21 आते हैं। आईटीसी का काम होता है कन्वर्ट, आईएसडी का काम होता है कन्वर्ट करना, कि जो पीछे से टैक्स लग के आ रहे हैं उनका रूप बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? उसी पैटर्न पर सीआईएस पैटर्न पर बदला जा सकता है। सीजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज सीजीएसटी और आईजीएसटी, आईजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, एसजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज एसजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में। सिमिलरली यूटीजीएसटी कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज यूटीजीएसटी और आईजीएसटी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। अपनी यूनिट्स को टर्नओवर के रेशियो में बांट देते हैं अगर पीछे से कंबाइंड बिलिंग आ रही है। ऐसी बातें सेक्शन नंबर 20 के अंदर लिखी हुई हैं। तो आईएसडी का जो काम कर रहा है इसकी रिटर्न भी अपनी जाती है मालिक। जीएसटीआर 6 के अंदर इसकी अपनी रिटर्न देनी होती है आईएसडी को, वैसे करके। तो इनका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटली यहां पे करवाया जाता है। टीडीएस डिडक्टर की बात करते हैं। जब आप एक सप्लाई कर रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट एजेंसीज को, पीएसयूज वगैरह को करके चलते हो, सोसाइटीज को करके चलते हो, तो वैसे हालात में टीडीएस का प्रोविजन आपका एक्टिवेट हो जाता है सेक्शन नंबर 51 के मुताबिक। और टीडीएस डिडक्टर के रूप में आपको एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस की सर्विस है, पोस्ट ऑफिस की सर्विस आगे जो आज के जमाने की सर्विसेज है वो बेसिकली टैक्सेबल कैटेगरी में आती है। अगर वो नॉन गवर्नमेंट को दी जा रही हैं तो टैक्सेबल होती हैं। तो पोस्ट ऑफिस को अपना एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22 के मुताबिक तो लेना ही पड़ेगा। 22 से 24 जो नॉर्मल बंदे के लिए होता है वो तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन उनके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करने की जिम्मेदारी भी आती है। तो उनको टीडीएस डिडक्टर के रूप में एक और सेपरेट रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता पड़ती है अंडर सेक्शन 24 करके। उसके बाद में टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस के अंदर जो प्रोविजन आता है, जो आपके फ्लिपकार्ट, अमेजन, गोडेडी, आईडेडी, ये जितने भी प्रोविजन आपके हैं जो टीसीएस के दायरे में आते हैं, कलेक्ट करते हैं ये अपना, तो वो टीसीएस कलेक्टर के रूप में भी उनको अपना एक सेपरेट स्पेशल रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। यानी ई कॉमर्स ऑपरेटर को अपना एक रेगुलर अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर आउटपुट जीएसटी भरने के लिए जो उनका नॉर्मल फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है तो वो तो है ही है, साथ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और बढ़ जाती है। इसका रजिस्ट्रेशन भी अलग होता है, इसकी रिटर्न भी अलग जाती है जीएसटीआर 8 के अंदर। जीएसटीआर 7 में टीडीएस रिटर्न सेपरेट जाती है अदरवाइज वे में, और जीएसटीआर 8 के अंदर इनकी एक्स्ट्रा रिटर्न अपनी चली जाती है टीसीएस कलेक्टर के रूप में। और अदर स्पेसिफाइड पर्संस की यहां पर बात कर रखी है, रेजिडरी क्लॉज अपनी इन्होंने छोड़ रखी है। उसके बाद में बात करते हैं पर्सन मेकिंग सप्लाई विच इज नॉन टैक्सेबली एग्जेम्प्टेड एक्सक्लूसिवली। अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड सप्लाई डील कर रहे हो, मान लीजिए चैरिटेबल ट्रस्ट और चैरिटेबल एक्टिविटीज ही करता है एक्सक्लूसिवली और कुछ काम कर ही नहीं रहा है, उसका कोई जीएसटी लायबिलिटी नहीं बनेगी और ना ही उसे कोई किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता है। एग्रीकल्चरिस्ट जो आदमी होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि किसान को रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, मैं ये कह रहा हूं कि किसान जिस हद तक किसान के रूप में है, जहां तक किसानी कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, उतने तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है। किसान अगर शहर में बैठ के दुकान भी चला रहा है तो फिर उसे वहां दुकानदार बोला जाएगा, ना कि किसान बोला जाएगा। तो टू द एक्सटेंट उसे किसान की परिभाषा में रखा जा रहा है, वहां तक उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अन्य नोटिफाइड पर्संस भी आपके यहां पर आ जाते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा एक्सक्लूसिवली आरसीएम के अंदर सप्लाई कर रहा है तो रेसिपिएंट का तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में किया जाएगा, लेकिन जो सप्लायर आदमी है उसको रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चलें आगे? हाँ सर जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आकर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में बता रखा है, 10 लाख 20 लाख की लिमिट बता रखी है। ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको लगे प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हैं यहां पर आकर। उसके बाद में ये हमारी बात होगी। अब आप ढूंढ रहोगे सर जी 40 लाख की लिमिट का तो यहां पर कंटेंट दे नहीं रखा है। बाबू ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर मैंने दे रखा है, 40 लाख का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने दे रखा है। इस चीज को देखकर कुछ बच्चे कह रहे कि साहब अमेंडेड नहीं है ये वाली कॉम्पैक्ट बुक। बाबू अमेंडेड है, लेकिन इसका जो सीक्वेंस है वो अमेंडमेंट बुकलेट के मुताबिक नहीं है। अमेंडमेंट बुकलेट का सीक्वेंस अलग है, इसका सीक्वेंस अलग है। ये रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में 40 लाख की लिमिट आपकी लिखी हुई है, वहां पर जाके मैं आपको दिखा दूंगा। राइट, इस प्रकार से ये चैप्टर होता है खत्म माय डियर, और लगभग इसने 18 मिनट का समय आपका लिया है। कोई बच्चा अपना थोड़ा कीमती समय निकालकर ये बता देना कि किस समय तक हमने कौन सा चैप्टर कवर किया है, ताकि बच्चों को इसको रिवाइज करने में सहूलियत मिल जाए। कुछ काम तो आपको भी करवाऊंगा मैं। आगे बात करते हैं एग्जम्पशंस की, चर्चा हम करके चलते हैं जी। एग्जम्पशंस के अंदर वो क्या बोल रहे हैं वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। एक पेज एड कर लूं अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ जी कर लीजिए सर जी, पेज एड जरूरत तो है नहीं, वैसे हम तो ऐसे बोल देंगे जी। देखो एग्जम्पशंस जो होती हैं, सेक्शन नंबर 11 आता है आपका, जो भारत सरकार को पावर देता है कि आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई को एग्जेम्प्ट कर सकते हो, ऐसे करके एग्जम्पशन। और सिमिलर सेक्शन आईजीएसटी के अंदर सेक्शन नंबर 6 आपका निकलकर आता है जी। ठीक है, जो एग्जम्पशंस हो सकती हैं आपकी वो कंडीशनल, अनकंडीशनल, होली और पार्शियली, जैसी मर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात उसके अंदर नहीं है। ये सारी बात मैंने आपको यहां पर बता रखी है। इफेक्टिव डेट ऑफ एग्जम्पशन नोटिफिकेशन क्या होगी? अगर नोटिफिकेशन के अंदर बता रखा है कि नोटिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, फिर तो भाई साहब कह नहीं क्या। और अगर ऐसी इफेक्टिव डेट नहीं दे रखी है तो फिर डेट ऑफ इश्यू जो होती है वही उसकी इफेक्टिव डेट कंसिडर कर ली जाती है। क्लैरिफिकेशन यहां पर आती है कि मान लीजिए आपने यहां पर गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू कर दी है, उस नोटिफिकेशन जिसमें बोल दिया गया था कि पाइप्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। आगे चलकर कोई किसी प्रकार की कंफ्यूजन उसमें पैदा हो जाती है कि भाई साहब पाइप तो एग्जेम्प्ट कर दिए, व्हाट अबाउट पाइप फिटिंग्स, वो एग्जेम्प्ट होंगी या नहीं होंगी, उसके बारे में वो आपसे पूछ रहे हैं। तो जब जब कंफ्यूजन आती है तो वी नीड अ क्लैरिफिकेशन टू रीच एट द कंक्लूजन, है कि नहीं जी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्लैरिफिकेशन ऐड कर दी। इसमें दो बातें आती हैं, अगर क्लैरिफिकेशन ओरिजिनल नोटिफिकेशन के एक साल के अंदर अंदर आ जाती है तो दिस क्लैरिफिकेशन विल बी इफेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी बैक डेट से यहां से इसको इफेक्ट में लाएंगे। लेकिन अगर वो आपकी एक साल के बाद एक्सप्लेनेशन ऐड की गई है तो फिर उस एक्सप्लेनेशन को प्रोस्पेक्टिवली ही अप्लाई करवाया जाएगा, जैसे भी आएगी वो वैसे करके वहां पर बता दिया जाएगा। इसके बाद ये आपका नोटिफिकेशन नंबर आ गया 12/2017 यहां पर आ जाता है, जिसके तहत आपको एग्जम्पशंस बताई जा रही हैं। अच्छे खासे पॉइंट हैं, तैयार होकर बैठ जाइएगा। मैं पहले यहां से सीरियल वाइज आपको मैं पढ़ाऊंगा माय डियर, ठीक है जी। सीरियल वाइज पढ़ाने के बाद फिर आपको मैं ग्रुपिंग कराऊंगा इसकी, कि कैसे कैसे इनको याद कैसे रखा जाए, उसका भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले इंडिविजुअल पॉइंट पर अपनी महारत हासिल कर लेते हैं कि हमें इंडिविजुअल सीरियल वाइज जो लॉ के अंदर सीरियल नंबर दे रखा है उसके मुताबिक क्या हम इसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और प्रेम से बोलेंगे सभी मिलकर, राधे राधे बोल दिया करो जोर से यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, हाँ सर जी एकदम ठीक बात है। चैरिटेबल ट्रस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर वो वाला चैरिटेबल ट्रस्ट है जो इनकम टैक्स के अंदर मान्यता प्राप्त है 12AA के अंदर। अगर वो ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटी अपनी करता है तो मालिक यहां पर उसके केस में हम बोलेंगे कि साहब आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, ठीक है जी। वो चैरिटेबल एक्टिविटी 4 भागों में बांट दी जाती हैं। 4 भाग कौन कौन से निकल के आते हैं। पहला निकल के आता है उसके अंदर कि आप जो व्यक्ति गए काम से, नशेड़ी हैं, बेवड़े हैं, किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं, ग्रसित मतलब कोई बीमारी लग गई है उनको ऐसे करके जिसका इलाज संभव नहीं है, मतलब जो मरणासन्न अवस्था में है, नियर टू डेथ पोजीशन में वो व्यक्ति हैं ऐसे करके। तो साउथ इंडिया वाले बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास में, कह रहे जी इतने खतरनाक हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल मत किया करो, जैसे मरणासन्न, तो मैंने भाई साहब इसका अंग्रेजी में बता दिया है, नियर टू डेथ पोजीशन जो होती है कि भाई अब तो मरने ही वाला है वैसे करके। ऐसे व्यक्तियों की केयर एंड काउंसलिंग करना एक चैरिटेबल एक्टिविटी के अंदर अपना आ जाता है जी, ठीक है। उसके बाद में आता है और व्यक्ति इस कैटेगरी में ना जाए, बेवड़े, नशेड़ी या बीमारी से ग्रसित ना हो, बीमारी से अफेक्टेड ना हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना भी चैरिटेबल एक्टिविटी का पार्ट है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाता है। दूसरे के अंदर बोलते हैं किसी धर्म का प्रचार प्रसार करना, किसी धर्म का, रिलीजन का, स्पिरिचुअलिटी का, योगा का। क्वेश्चन यहां से आएगा योगा से, योगा कैंप बाबा रामदेव जी लगाते हैं तो वहां पर कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, ऐसे करके बात हो जाती है जी। उसके बाद में एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जिसमें बेसहारा बच्चे और जो कैदी होते हैं और आपके जो चोट खाए हुए व्यक्ति, धमाल मूवी देखिए, शब्बो तुम कहां चली गई वो वाला, तो चोट खाए हुए व्यक्ति जो होते हैं और आपके जो कैदी हो गए, बुजुर्ग, ग्रामीण बुजुर्ग हो गए, तो इनके टैलेंट या एजुकेशन को बाहर निकालने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उसे चैरिटेबल एक्टिविटी कहा जाएगा। ग्रामीण बुजुर्ग के टैलेंट को बाहर ला रहे हैं, बुजुर्ग होने के बाद 60-65 साल की उम्र के जाने के बाद में फिर कौन सा टैलेंट रह जाता है, मैं आज तक इसकी खोज में हूं। यमुना बचाओ, पानी बचाओ, टाइगर बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ बचाओ, जितने भी बचाओ बचाओ के प्रोग्राम है, एनवायरमेंट बचाइए, जल ही जीवन है, ये सारे के सारे आपके यहां पर चैरिटेबल एक्टिविटी का पार्ट बन जाते हैं। तो 4 प्रकार की एक्टिविटी को चैरिटेबल एक्टिविटी बोला गया है। अगर इट इज कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, तो इनको एग्जम्पशन कैटेगरी में डाल दिया गया है, ऐसे करके हम बात करके चलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ गोइंग कंसर्न। अगर एक चालू बिजनेस को बेच दिया जाता है, एक बिजनेस किसी और दूसरे बंदे को बेच दिया जाता है, तो वैसी हालत में क्या करते हैं पहले बताओ। ये जो सप्लाई है, इस सप्लाई पर तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। 10 करोड़ में बिजनेस बेच दिया है तो जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। इसमें जो भी स्टॉक वगैरह, जो भी बिजनेस असेट पड़ी हुई थी, क्या उन पर डीमिंग फिक्शन लगेगा? क्या डीम्ड सप्लाई टू हिमसेल्फ आएंगी? जी नहीं। दुकान बंद होती है तो डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है। अगर दुकान बेच दी गई है तो डीम्ड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आपका नहीं आएगा। जितनी भी एसेट और लाइबिलिटीज थी सारी की सारी यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। यहां तक कि जो आईटीसी है वो भी आपका रूल नंबर 41 जो आईटीसी के चैप्टर में दे रखा है, वो आईटीसी भी आपका यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डिमांड रिकवरी चैप्टर में जाकर देखते हैं कि यहां पर अगर कुछ भी ड्यूज आपके पेंडिंग थे, दैट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी ज्वाइंटली एंड सेवरली, दैट कैन बी रिकवर्ड, उनसे रिकवर किए जा सकते हैं। पैन चेंज हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन का चैप्टर बोलता है कि आपको नया रजिस्ट्रेशन यहां पर लेना पड़ जाएगा। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। इस बंदे को अपनी फाइनल रिटर्न सबमिट करनी होगी क्योंकि धंधा बंद हो गया है, और इस बंदे को अपनी फर्स्ट रिटर्न यहां पर देनी पड़ेगी। तो रिटर्न का, रजिस्ट्रेशन का, डिमांड का, रिकवरी का, आईटीसी का, सारी लिंकेज मैंने आपकी यहां पर झोंक दी है। जब पूरा बैच होता है तो मजा कुछ और ही होता है मालिक, लेकिन क्या कर सकते हैं, रिवीजन है तो फिर भी रिवीजन के अंदर जितना मैं आपके लिए लिंक करके बोल सकता हूं मैं बोलूंगा इस लिमिटेड टाइम के अंदर मालिक। ठीक है जी। उसके बाद में सीरियल नंबर 3, 3A, 4 and 5 जो हैं आपके, वो इकट्ठी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आर्टिकल नंबर 243G और W के अंदर हम जो भी बात कर रहे हैं जैसे लैंड रिफॉर्म की बात होती है, लैंड कंसोलिडेशन की बात होती है, अर्बन टाउन प्लानिंग है, हेल्थ केयर, ये सारी की सारी एक्टिविटीज यानी आर्टिकल 243G और W के अंदर जो एक्टिविटीज आगे मतलब की जा रही हैं, यह सरकार ने इनको आउटसोर्स कर रखा है। ये वाली एक्टिविटी सरकार दे रही है या पीछे से ले रही है, दोनों ही हालत में एग्जम्पशन दी जाएगी। तो पहली बात यह कि आपकी 100% सर्विस ही होनी चाहिए, प्योर सर्विस आपकी होनी चाहिए। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट और आई थी इसके अंदर कि अगर कंपोजिट सप्लाई है, कंपोजिट सर्विस भी है तो भी चलेगा, लेकिन उसमें कम से कम सर्विस का शेयर 75% एटलीस्ट सर्विस का शेयर होना चाहिए, यानी कि गुड्स का पोर्शन मैक्स टू मैक्स 25% तक जा सकता है। 100% सर्विस है तो मोस्ट वेलकम, बाद में इसको 75% तक भी ले आए थे अगर कंपोजिट सप्लाई में आ रहा है तो। हम वैसे करके यहां पर बात करके चलते हैं। सीधी बात, नो बकवास। आर्टिकल नंबर 243G और W बोले तो नो जीएसटी, जहां पर भी नाम आ जाएगा जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट नंबर 6 है जहां पर बात करते हैं कि जब कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी वगैरह वगैरह ये अपनी सर्विस देते हैं, किसको देते हैं? नॉन बिजनेस एंटिटी को देते हैं, तो जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद में अगर ये बिजनेस एंटिटी को देते हैं तो इसके मुताबिक तो जीएसटी लगेगा, बट इसकी मंजिलें अभी बाकी हैं। अगर कहीं अदरवाइज एग्जेम्प्ट ना कर रखा हो तो यहां पर टैक्सेबल ही माना जाएगा। अदरवाइज एग्जेम्प्टेड का मतलब यह हो गया कि जैसे आगे चल के बोलेगा कि सरकार सर्विसेज दे रही है, बिजनेस एंटिटी तो है लेकिन गरीब बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट के दायरे में आता है, तो वहां पर भी एग्जम्पशन इन्होंने दे रखी है। आगे बोलेगा कि अगर सरकार ये सर्विसेज सरकार को ही दे रही है तो भी उसको एग्जम्पटेड के अंदर डाल देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर लिखा जरूर है कि बिजनेस एंटिटी को दोगे तो जीएसटी लगेगा, बट सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शन जो कि आगे एग्जम्पशंस में दे रखे हैं। मेन आती है पीवीटी की बात। पी का मतलब है पोस्ट ऑफिस की सर्विस, वी का मतलब है वेसल एयरक्राफ्ट के संबंध में सर्विसेज, और उसके बाद टी का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर या गुड्स की सर्विस की हम बात कर रहे हैं। इसको पी, वी और टी के नाम से यहां पर जाना जाता है। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे मालिक। ठीक है जी, ओके सर जी। लेकिन ध्यान दीजिए कंफ्यूजन कहां पर आती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज, इतना नहीं बोल रहा मैं कह रहा हूं पोस्ट ऑफिस की सर्विसों आज के जमाने की हों, जैसे स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विसेज वगैरह वगैरह है ना, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, और दी जा रही हों टू नॉन गवर्नमेंट। इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ना, नॉन गवर्नमेंट को दी जाएंगी तो ही मैं बोल रहा हूं कि ऑलवेज टैक्सेबल करी जाएगी, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस होता है आपका ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, और गवर्नमेंट अगर दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विस देगा तो मुझे बताइए पोस्ट ऑफिस अगर दूसरे किसी इनकम टैक्स ऑफिस को अपनी सर्विसेज दे रहा है तो क्या वो टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्टेड होगा? वो आपका एग्जेम्प्टेड किया जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस की सर्विस नॉन गवर्नमेंट को दी जाएगी तो यहां पर टैक्सेबल करार दिया जाएगा। लॉजिक हर चीज का बता रखा है, क्यों ऐसा किया गया, टू मेंटेन द पैरिटी बिटवीन द, मन तो करता है कि बार बार लॉजिक बताऊं पर बाबू समय बहुत ज्यादा लग जाएगा, और समय ज्यादा लग गया रिविजनरी वीडियो के अंदर तो फिर इसका मायने खत्म हो जाते हैं। रिवीजन का मतलब है मैक्स टू मैक्स 15 से 18 घंटे के अंदर आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, इंक्लूडिंग कस्टम्स, राइट। तो लॉजिक आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूं, और आगे बात करते हैं गरीब बिजनेस एंटिटी। सरकार अपनी सर्विसेज दे रही है किसी गरीब बिजनेस एंटिटी को। गरीब का मतलब है 20 लाख 10 लाख तक टर्नओवर सीमित है तो वहां पर भी इसको एग्जम्पशन दे दी जाएगी। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विस दी जाती है, जैसे मान लीजिए सीबीआई पुलिस स्टेशन को सर्विस दे रही है, उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। स्मॉल वैल्यू सर्विसेज दी जाती है जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए तक सीमित है तो भी जीएसटी की हम बात नहीं करके चलेंगे। लेकिन अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस ये कंसिडर की जाती है, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस उसे बोलते हैं जिसकी लाइफ 3 महीने से ज्यादा की और पीरियोडिक पेमेंट शेड्यूल हो, दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, तो उसे हम कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के नाम से जानते हैं। अगर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस है तो 5,000 के लिमिट को फाइनेंशियल ईयर वाइज चेक किया जाएगा। अगर 5,000 तक है तो एग्जम्पशन है, 5,000 से एक्सीड करेगी तो वहां पर जीएसटी की बात कर ली जाएगी। आगे आते हैं, आपके 3 पॉइंट आते हैं 9A 9B 9C। F, N और G करके 3 पॉइंट आपके आते हैं। F का मतलब फीफा, फीफा सर्विसेज दे या ले जीएसटी की बात नहीं होगी। नेपाल भूटान को जाने वाले गुड्स के संबंध में ये लोग जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं इन पर भी जीएसटी आपका नहीं लगाया जाता है जी। मोदी जी गए थे नेपाल, पूरा लॉजिक दिया था क्यों नहीं लगाया जाता है। ओल्ड एज होम की सर्विसेज 9D बात करके चलता है कि अगर कोई ट्रस्ट है या गवर्नमेंट है जिसने ओल्ड एज होम बना रखे हैं और वो अपनी सर्विसेज ग्रामीण लोगों मतलब बुजुर्ग लोगों को दे रहे हैं, मतलब कि जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, ओल्ड एज का मतलब 60 ईयर और मोर की बात कर रहे हैं, अगर इनका लिया गया कंसिडरेशन इकट्ठा होता है, मतलब कंपोजिट सप्लाई के रूप में कंसिडर किया जाता है जिसमें खाना पीना रहना सब कुछ इसमें शामिल हो जाता है। अगर ये 25,000 पर मंथ तक सीमित है तो हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। कंस्ट्रक्शन सर्विस में 10वां पॉइंट आपका निकलकर आ रहा है, क्या बोलता है, प्रधानमंत्री रोटी कपड़ा और मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब जनता के जो घर बनाए जा रहे हैं जिस पर सरकार सब्सिडी भी देती है उसके रेस्पेक्ट में जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस है वो आपकी एग्जेम्प्ट कर दी गई है। गुड्स एग्जेम्प्ट नहीं है, सर्विस एग्जेम्प्टेड है। 10A बात करता है, ये किसान है, ये किसान ने नई ट्यूबवेल लगाई है, ये यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का चैनल है, यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचने के लिए खंबे पोल वगैरह लगाए जाते हैं, ये संपत्ति सारी सरकार की होती है लेकिन किसान से कुछ सर्विस चार्ज लिए जाते हैं। ये ट्यूबवेल है किसान की जिससे खेती बाड़ी करता है, ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ सर्विस चार्ज लिए गए हैं जीएसटी ना लगाया जाएगा। लेकिन अगर ये एक फैक्ट्री के लिए होता तो फिर जीएसटी लग जाता। तो एग्रीकल्चर चीज को ध्यान में रखते हुए इसको यहां पर एग्जम्पशन दे दी गई है। कंस्ट्रक्शन सर्विस की बात फिर से आ गई है, मैं मेरा घर बना रहा हूं, कोठी बना रहा हूं या घर बना रहा हूं तो उसके लिए जो भी कंस्ट्रक्शन की सर्विस ली जा रही है, घर रोटी कपड़ा और मकान, घर के लिए कोई किसी प्रकार के सर्विस एलिमेंट पर जीएसटी की बात नहीं होगी। बिल्डिंग मटेरियल जो आएगा उस पर जीएसटी लगाया जाएगा। घर की बजाय, कोठी की बजाय अगर मैं इसको फ्लैट के रूप में तब्दील कर देता हूं तो फ्लैट अगर मल्टीपल यूनिट वाला बनेगा तो फ्लैट कल्चर में आ जाता है, तो वैसे हालत में कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं दे रखी है। अगर मैंने गुड्स और सर्विस की इकट्ठी सर्विस ली है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ली है तो भी टैक्स लग जाएगा। ध्यान दीजिए, ओनली सर्विस कंपोनेंट इज एग्जेम्प्टेड। अगर आपने कंबाइंड कर दिया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, पूरी वैल्यू पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन की सर्विस, सर्विस कंपोनेंट आपका एग्जेम्प्ट किया जाता है। फेयर प्राइस शॉप, राशन आप भी लेकर आए होंगे जिसमें लोगों को राशन कार्ड पर राशन जो मिलता है, या ये कहूं कि जो सरकारी गल्ले की दुकान होती है या जो कोटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो जो व्यक्ति जो कोटा बांटता है या सरकारी गल्ले की दुकान चलाता है उसको सरकार से माल आया और आगे पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पब्लिक से जो भी कंसेशनल रेट पर पैसा आया वो सरकार खाते में जमा कर दिया। इस एक्टिविटी के लिए सरकार से इस बंदे को कमीशन मिलता है तो कमीशन के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। आगे बात करते हैं, रेंटिंग की बात करी जा रही है। रेंटिंग के लिए ध्यान रखना, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है और रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दी जा रही है, दो बातें पूरी होंगी तो आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी का मतलब रेजिडेंशियल ड्वेलिंग है, ड्वेलिंग का मतलब जिसका पर्पस लॉन्ग टर्म यूसेज के लिए होता है। व्हाट अबाउट होटल मोटल गेस्ट इन हाउस जो शॉर्ट टर्म की सर्विस देते हैं। इसमें दो बातें होती हैं, अगर किराया 999 तक सीमित है फिर तो बाबूजी जीएसटी बात नहीं होगी, अगर उससे ऊपर जा रहा है तो फिर जीएसटी लगा दिया जाएगा। पहले यहां पर डिक्लेयर्ड वैल्यू की बात करते थे, अभी सिर्फ वैल्यू की बात करती है। वैल्यू का मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू जो भी है, अगर आपकी 999 तक है तो जीएसटी की बात नहीं होगी, ऊपर जाएगी तो जीएसटी लगा दिया जाएगा। उसके बाद में यहां पर मैंने बाइफर्केशन दिया है, प्रॉपर्टी इंटेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म यूज यानी कि लंबे समय के लिए रेजिडेंशियल पर्पस के लिए है और रेजिडेंशियल के इस्तेमाल की जा रही है तो एग्जम्पशन है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है लेकिन अदरवाइज कमर्शियल पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो टैक्सेबल अपनी हो जाएगी। और ये प्रॉपर्टी अगर आपकी दुकान शोरूम वगैरह कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल कर दी जाएगी। सीधी बात, नो बकवास। रेजिडेंशियल डिवेलिंग यूज्ड एज रेजिडेंस तो वहां पर जीएसटी आपका हटा दिया गया है। रोटी कपड़ा और मकान, मकान या तो बनवाया जाता है, बनवाएंगे तो कंस्ट्रक्शन सर्विस पर जीएसटी नहीं, किराए पर लिया जाएगा रहने के लिए तो भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। रेंटिंग की बात और आती है 13वें पॉइंट के अंदर, इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक ए आता है और एक आपका बी आता है। ए में बोलता है जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। जागरण है, पार्टी है, वहां पर आकर जो भी जागरण पार्टी आपसे कंसीडरेशन चार्ज करती है जीएसटी की बात नहीं होगी। पंडित जी घर पर आते हैं, सत्यनारायण स्वामी की कथा कहते हैं और फिर कहते हैं जजमान दक्षिणा लाइए, दक्षिणा के ऊपर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बाकी बी पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपके रिलीजियस ये जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं ये रिलीजियस प्रॉपर्टी को जो किराए पर देते हैं तो तीन तरह की प्रॉपर्टीज को किराए पर देते हैं, रूम को किराए पर देते हैं, हॉल वगैरह किराए पर देते हैं, दुकानें किराए पर देते हैं। दुकानों का किराया अगर 9,999 पर मंथ तक का है तो भाई साहब जीएसटी की बात नहीं होगी, उससे ऊपर है तो जीएसटी की बात कर ली जाएगी। अगर हॉल की बात कर रहे हैं तो पर डे के हिसाब से किराए पर दिए जाते हैं, अगर वो 9,999 4x9 तक का है पर डे तो जीएसटी की बात नहीं होगी, ऊपर है तो जीएसटी की बात दी जाएगी। रूम का जो किराया होता है वो पर डे के हिसाब से होता है, अगर रूम का किराया पर डे 999 तक का है तो जीएसटी की बात नहीं होगी, अदरवाइज बात कर ली जाएगी। चलिए ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में आपको लिए चलते हैं, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। चले ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की हम बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर तीन रूपों में हमें देखने के लिए मिलता है, कौन कौन सा सर जी? एक तो होता है जी जल से, एक होता थल से, एक होता वायु से। जल का मतलब पानी का माध्यम, थल का मतलब जमीनी और वायु का मतलब जल, थल और वायु, वायु मतलब बाई एयर, ऐसे करके बात करते हैं। तो जब जल की बात करते हैं तो इनलैंड वाटरवे बोट वगैरह जो चलती हैं वहां पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। और अगर हम शिप वगैरह की बात कर रहे हैं तो वहां पर शिप में दो कैटेगरी आ जाती है, अगर वो टूरिस्ट पर्पस के लिए है तो लगेगा, अदरवाइज आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। थल में दो बातें आ जाती हैं, जमीन पर दो बातें आ जाती हैं। एक बात करते हैं हम लोग यहां पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रोड और एक बाय रेल। बाय रोड में दो बातें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज या स्टेज कैरेज। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पॉइंट टू पॉइंट होता है और इसमें तो पॉइंट ही पॉइंट बने होते हैं, धक्के खाती हुई बस जो जाती है हर बस स्टॉप पर रुकती है उसे स्टेज कैरेज के नाम से जानते हैं। जो सुपरफास्ट सर्विस है वो आपके यहां पर आती है, चेक करो सुपरफास्ट वाली में एसी है, हाँ तो बस कुछ मत सोचो लगाओ जीएसटी। एसी नहीं है, एसी नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, सोचो हालत क्या होगी, बंदे को फील करो, क्या वो जीएसटी देगा? ऑफिस जा रहा धक्के खाता हुआ, नहीं जीएसटी की बात नहीं होगी। स्पेशल बस है, स्पेशल बस का मतलब जैसे बारात की बस है, आज मेरे यार की शादी है, भले ही भाई साहब एसी ना चल रहा हो लेकिन मजा कुछ और ही होता है उस समय। स्पेशल बस है, बारात की बस है, जीएसटी लगा दिया जाएगा। टूरिस्ट व्हीकल है, टूरिस्ट जब टूर पर जाते हैं घूमने के लिए तो कितना मजा आ रहा होता है ना, यस सर। तो ऐसे करके हमारी बात हो जाती है। उसके बाद में स्टेज कैरेज है, एसी है तो लगाइए और अगर नॉन एसी है तो आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। रेडियो टैक्सी है टैक्सेबल करी जाएगी। स्कूल बस है ये एग्जेम्प्टेड है लेकिन यहां नहीं, सीरियल नंबर 66 है जो एजुकेशन वाला पॉइंट है उसके तहत इसको एग्जेम्प्ट किया जाता है। जो शमशान घाट की बस होती है, इस पर लिखा होता है स्वर्ग यात्रा के लिए जाती है, तो मतलब मृत व्यक्ति को जो शमशान तक लेकर जाते हैं तो उसकी यहां चर्चा करने की जरूरत नहीं है, वो गेट नंबर 2 से ही बाहर है। सप्लाई जब पढ़ते हैं न्यू मैजिक शेड्यूल 3 अंडर सेक्शन 7 तो वहां पर इसको बाहर निकाल दिया गया है। रेल की बात करते हैं, रेल में भारतीय रेल आ गई और अदरवाइज आ गई आपकी। अदरवाइज के अंदर मोनो, मेट्रो और आपकी ट्राम जो है कलकत्ता में चलती है ट्राम। मेट्रो देखने दिल्ली आइए, मोनो देखने बॉम्बे जाइए और ट्राम देखने तो कलकत्ता जाइएगा। तो वहां पर आकर हम बात करते हैं कि भाई साहब इन पर जीएसटी की बात नहीं होगी, एसी हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, मतलब एग्जेम्प्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक इस्तेमाल करके चलती है। बाकी जो इंडियन रेलवे है उसमें दो कैटेगरी कर दी गई है, अगर एसी है या फिर फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट क्लास बॉम्बे में चलती है, विदाउट एसी होती है लेकिन फर्स्ट क्लास कही जाती है। फर्स्ट क्लास है या एसी है टैक्सेबल होगी, अदरवाइज है तो फिर आपका एग्जम्पशन में दे दिया जाएगा। वायु की बात करते हैं तो वायु के अंदर बाबू नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर आपकी फ्लाइट लैंड कर रही है या वहां से टेक ऑफ कर रही है जीएसटी की बात नहीं होगी। उस एरिया को प्रमोट करने के लिए ऐसा कहा जाता है। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड वगैरह वगैरह ये आपका एरिया नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर आता है। जो आपके भारत के नक्शे को देखेंगे तो जो आपको जो नॉर्दर्न वाली जो बेल्ट दिखाई देती है ना, आपके नॉर्थ ईस्ट वाले जो पहाड़ी एरिया दिखाई देता है वो पूरा का पूरा यहां पर नॉर्थ ईस्ट के अंदर काउंट किया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं गैप फंडिंग। ये गैप फंडिंग का क्या मामला है? हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज की यात्रा करे, इस ख्वाब के साथ में सरकार ने एक मिशन निकाला। लिमिटेड दूरियां रखी लगभग, जहां पर 1 घंटे तक का सफर हो तो एक आम आदमी भी जहाज में बैठ सके, उस करीब से उसको देख सके। इसके चलते हुए एक नीति बनाई और किराया फिक्स कर दिया कि मैक्स टू मैक्स इस तक 2,500 तक किराया जा सकता है, इससे ऊपर किराया नहीं जाएगा। एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स ने बोला कि भाई सब पड़ता नहीं खाएगा, रेसिपिएंट ये बनेगा, सप्लायर ये है, पड़ता नहीं खाएगा। पड़ता खिलाने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम कुछ सब्सिडी आपको दे देते हैं। तो गवर्नमेंट इस गैप को फंड करने के लिए इस गैप को फंड कर दिया कि ठीक है मान लो 800 रुपए हम आपको यहां पर दे रहे हैं। तो रेसिपिएंट अब 2 हो गए, एक रेसिपिएंट ये बना, एक रेसिपिएंट बना। जर्नी एक है, फ्लाइट एक है, लेकिन 2 अलग अलग जगह से कंसिडरेशन आ रहा होता है। तो ये वाला जो 800 रुपए मिल रहा है इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, लेकिन ये वाला जो है इस पर 5% से आपका जीएसटी लगाया जाता है। क्यों लगाते हैं सर जी? इसलिए लगाते हैं ताकि इसको आईटीसी अवेलेबल होता रहे, क्योंकि अगर आपने इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया तो फिर इसको आईटीसी ना मिल पाएगा, आईटीसी ना मिल पाएगा तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ऐसे करके यहां पर बात कर दी गई है मालिक जी। इसकी लाइफ 3 साल तक है, लेकिन फिलहाल आपके एग्जाम के लिए ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। 18, 19, 19A और 19B और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की बात करने के लिए जा रहे हैं। वही जल है और थल है और वायु है, इनकी चर्चा हम आपसे करने के लिए जा रहे हैं। जल के अंदर इनलैंड वाटरवे है, मान लीजिए बोट के माध्यम से जो नहर है, आप कैनाल और गंगा नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी, जितने भी नदियों के माध्यम से किया जा रहा है जो इनलैंड वाटरवेज है, बोट वगैरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा गुड्स का, उस पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। अदरवाइज वाले मामले के अंदर हम जीएसटी की बात करके चलेंगे। समुद्री यात्रा की जा रही है, शिप के माध्यम से की जा रही है, टैक्स लगा दिया जाएगा। थल में 2 बातें होती है, रोड और रेल। रोड के अंदर सिर्फ 2 को बचा लिया गया है, एक जीटीए को और एक कुरियर वाले को, बाकी सारे के सारे रोड ट्रांसपोर्टेशन आपके एग्जेम्प्ट कर दिए जाते हैं। बाई रेल आपका जो है मालिक को टैक्सेबल, उसमें कोई किसी प्रकार की रियायत यहां तो कम से कम नहीं दी गई। हालांकि अगले पॉइंट पर आकर प्रोडक्ट वाइज कुछ रियायतें जरूर दी गई हैं। उसके बाद में वायु की बात करते हैं। वायु के संबंध में अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो कोई प्रोडक्ट, और हवाई जहाज का जो किराया होगा, हवाई जहाज के किराए पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। या वेसल भी है तब भी हम बात नहीं करके चलेंगे, क्योंकि मामला एक्सपोर्ट का, चाहे वेसल से हो चाहे एयरक्राफ्ट हो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के संबंध में जो भाड़ा आएगा, भाड़े पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर इंपोर्ट का मामला बन रहा है तो वेसल से है तो जीएसटी लगेगा, एयरक्राफ्ट से है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, भाड़े पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। तो मैंने कहा था कि इतने कड़वे भी मत बनो, मैंने कहावत सुनाई थी ना आपको कि इतने मीठे भी मत बनो कि लोग घोल कर पी जाएं, और इतने कड़वे भी मत बनो कि लोग छोड़कर ही चले जाएं। तो जो एयरक्राफ्ट होता है उसका भाड़ा वैसे ही बहुत ज्यादा होता है, अगर उस पर जीएसटी भी लग गया तो वो पब्लिक के लिए बहुत ही महंगा पड़ जाएगा। इसलिए वहां पर उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट से है तो भाड़े पर जीएसटी नहीं लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू इंपोर्ट। आगे कुछ दे रखा है यहां पर ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की हम बात करके चल रहे हैं मालिक, जिसमें ध्यान दीजिए हम रेल की बात कर रहे हैं और हम लोग यहां पर वेसल की बात कर रहे हैं, हवाई जहाज का नाम नहीं है, और यहां पर हम लोग जीटीए की अपनी बात करके चल रहे हैं। यहां डोमेस्टिक जर्नी है और यहां पर आपकी डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल जर्नी हो, कैसी भी जर्नी हो यहां पर काम करके चलेगी। मिल्क सॉल्ट यानी कि दूध है, नमक है, आटा है, दाल है, चावल है, डिफेंस मटेरियल है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, रिलीफ मटेरियल है, ये सारे के सारे आपके दोनों ही ये आपका सीरियल नंबर 20 आता है और ये आपका सीरियल नंबर 21 आता है, यहां पर एग्जाम्पशन दे दी जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए रेलवे इक्विपमेंट, रेल से अगर ढोए जा रहे हैं तो जीएसटी नहीं है, ट्रक से ढोए जा रहे हैं तो जीएसटी लगा दिया जाएगा। इसके अपोजिट दूसरी जगह देखें, स्पेशल एग्जाम्पशन को इनको नहीं है, लेकिन इनको ट्रक वालों को स्पेशल एग्जाम्पशन दे रखी है। क्या एग्जाम्पशन है? 1500 रुपए तक का टोटल ट्रक लोड अगर आपका है, पूरे ट्रक के अंदर चाहे 50 व्यक्तियों का सामान भरा हुआ हो, अगर पूरे ट्रक में रखे हुए लोड का भाड़ा आपका 1500 रुपए तक सीमित है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अच्छा ठीक है जी, ये पहला चांस था। अगर यहां पर एग्जाम्पशन ना दिलवा पाओ तो दूसरा चांस अप्लाई करना। अगर पर कंसाइनी जो भाड़े का लोड पड़ता है वो 750 रुपए तक का है तो उतने उतने कंसाइनीज के भाड़े के रिस्पेक्ट में हम एग्जाम्पशन देकर चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ठीक है मालिक, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये 1500 और 750 की प्रैक्टिस के लिए आप चाहो तो करके देख सकते हो। 21A पॉइंट, ये भी जीटीए का है कि अगर आप जीटीए की सर्विसेज अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हो, रजिस्टर्ड को दोगे तो आरसीएम है, अनरजिस्टर्ड को दोगे तो उस पर एग्जम्पशन दे दी जाती है। ये आपका न्यूली इंसर्टेड पॉइंट है, लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इसमें बोलता है कि जीटीए की जो सर्विस है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा को दी जा रही हैं, जिसकी अपनी कोई आउटवर्ड सप्लाई पर उनका नॉर्मल फॉर्मल कोई रजिस्ट्रेशन नहीं बनता, आउटपुट टैक्स वगैरह की लायबिलिटी नहीं बनती, बट हाँ टीडीएस के प्रोविजन उन पर लागू होते हैं और उनका जो रजिस्ट्रेशन है सिर्फ टीडीएस पर्पस के लिए ही है अंडर सेक्शन 24 जो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। तो ऐसे केस के अंदर यहां पर बाबू जी जो जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। कारण यह कि अगर इनकी आउटपुट लायबिलिटी यहां होती, इनका आउटपुट जीएसटी भी बनता, तो फिर इसको एग्जेम्प्ट ना करते, क्योंकि जो भी टैक्स यहां लगता उसका आईटीसी इनको यहां पर अवेलेबल हो जाता मालिक, ऐसे करके। तो चूंकि इनके आउटपुट जीएसटी नहीं है, आईटीसी का कोई सीन नहीं है, तो इन्होंने इसको एग्जेम्प्ट यहां पर कर दिया ताकि अनयूजुअली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हैवी कॉस्ट ना पड़ जाए। लेटेस्ट अमेंडमेंट का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स की हम लोग यहां पर बात करने के लिए जा रहे हैं। क्या बोलता है देखिए, इसमें पहले बात कर रहे हैं बस या मिनी बस जिसकी कैपेसिटी 12 से अधिक लोगों को बिठाने की होती है। अगर आप डीटीसी वगैरह को किसी स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेक कॉरपोरेशन को अगर वो अपनी लीज पर दे रहे हैं, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सरकार ने आगे भी जीएसटी की एग्जम्पशन दे रखी है। अगर इसको एग्जम्प्ट ना किया तो यहाँ आईटीसी तो मिलना है नहीं, कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और टिकट का प्राइस बढ़ जाएगा, इसलिए एग्जम्पशन यहाँ पर दे दी है। फिर अगर आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ट्रक वगैरह किराए पर दे रहे हो तो भी वहां पर जीएसटी की बात नहीं होगी, ताकि भाड़ा आपका स्मूथ बनाया जा सके, कम रखा जा सके। मोटर व्हीकल, मान लीजिए यहां पर आपका स्कूल है, स्कूल से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो यहां पर स्कूल जीएसटी नहीं चार्ज करता है। स्कूल पीछे से ट्रांसपोर्टर की सर्विस लेता है, ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विस दी जाती है स्कूल्स को उस पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाता है। आप ट्रांसपोर्टर को लीज पर कोई बस वगैरह दे रहे हो उस पर भी जीएसटी ना लगाया जाएगा। अगर यहां पे जीएसटी लगेगा तो उसका लोड यहां पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट तो मिलना है नहीं, क्योंकि आगे जीएसटी नहीं है। फिर लोड यहां पास ऑन होगा, फिर लोड यहां पास ऑन होगा, फिर यहां पर बच्चे के माता पिता के ऊपर वो लोड आ जाएगा और पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसलिए शिक्षा को सस्ता रखना जरूरी है। उसके बाद में 23 और 23A पॉइंट आते हैं जिसमें टोल की बात करता है कि जब आप किसी ब्रिज को या हाईवे को एक्सेस करते हो तो वहां पर मालिक वैसी दशा में क्या करना होता है, आपको टोल चुकाना होता है। टोल के रिस्पेक्ट में कोई किसी प्रकार की जीएसटी की बात नहीं होगी, इवन एन्युटी के रूप में है तब भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। राइस की बात करता है, राइस यात्रा मैंने पूरी करके बताई, लेकिन फिलहाल हमें सिर्फ ये पॉइंट देखना है। राइस का लोडिंग अनलोडिंग, वेयरहाउसिंग, पैकेजिंग एक्सेट्रा है, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ राइस है तो उसके लिए आटा दाल चावल, चावल का ट्रांसपोर्टेशन यहां पर मना कर रखा है। पैडी टू राइस, जब जॉब वर्क पर लेकर कराते हैं, राइस मिल के पास ले जाकर कराते हैं, तो पहले तो कभी एग्जेम्प्ट हुआ करता था लेकिन सर्कुलर के माध्यम से इसको टैक्सेबल कर दिया गया है। और किसान जब किसानी कर रहा है, पैडी का कल्टीवेशन कर रहा है, धान पैदा कर रहा है, उस पर भी हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। सीरियल नंबर 54 उसके बारे में स्पेशली बात करके चलता है। सीरियल नंबर 24A आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तेंदू लीव्स हो गई और फ्लावर्स हो गए और टिम्बर हो गई, तो इन चीजों की जो आपकी वेयरहाउसिंग वगैरह होगी उस पर भी जीएसटी की बात हम नहीं करके चलेंगे। इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान से सुनना, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, रख के बोला यूटिलिटी। यूटिलिटी कौन है, ये बोर्ड हो गए या फिर पावर ग्रिड हो गया या इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज हो गई या लाइसेंस प्राप्त है गवर्नमेंट से इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उनको यूटिलिटी के नाम से हम जानते हैं। तो यहां पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। लेकिन एक सर्कुलर ये भी बोल के चलता है कि अगर आपके ये कोई प्राइवेट पर्सन है, जेनसेट वगैरह लगा लिया है अपना प्राइवेट तरीके से, लाइसेंस वाइसेंस नहीं है, यूटिलिटी की डेफिनेशन में नहीं आते हैं, तो वो टैक्स लगा दिया जाएगा। बाकी सर्कुलर ने यह भी बोला है कि जो मीटर चार्ज होते हैं, एप्लीकेशन फी वगैरह होती है, उस पर भी टैक्स लगाया जाएगा, पर अभी तक प्रैक्टिकली हमने देखा है नहीं कि उस पर टैक्स लगाया जा रहा हो, पर सर्कुलर आपका यही बोलता है। उसके बाद में बाबूजी यहां पर बैंक की बात हम करने के लिए जा रहे हैं आपके साथ में। पॉइंट आ रहा है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोलता है ये, तो आरबीआई के अंदर वो बात करता है कि जैसे मान लीजिए, पहली बात तो यह है कि यहां इस सीरियल नंबर के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें बता रहा है कि भाई साहब, अरे क्या हो गया भाई, उसमें बताता है कि अगर आरबीआई अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उस पर जीएसटी की बात हम नहीं करेंगे, ये बात सीरियल नंबर 26 के अंदर लिखी हुई है। आगे चल के आईजीएसटी की एग्जाम्पशंस भी आनी है, वहां पर लिखा मिलेगा कि अगर आरबीआई सर्विसेज ले रहा है, फॉरेक्स संबंधी सर्विसेज है, इंडिया के बाहर से ले रहा है, तो उन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये एग्जाम्पशन आईजीएसटी एक्ट के अंदर दे रखी है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन आपकी इंटरस्टेट में आ जाती है, राइट। ऐसे करके आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। उसमें सीरियल नंबर 27 के अंदर दो फलक हैं, दो पार्ट हैं। पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा। पहले पार्ट के अंदर बोलता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की हम लोग बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, इंटरेस्ट किसके ऊपर? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। लोन, डिपॉजिट और एडवांस के ऊपर का जो इंटरेस्ट है या डिस्काउंट है, जैसे बिल डिस्काउंटिंग में जो बट्टा काट लेते हैं, डिस्काउंट काट लेते हैं, उस वाले डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। अगर वो है तो वो आपका एग्जेम्प्ट किया जाएगा। सिर्फ ये लोन, डिपॉजिट और एडवांस की बात कर रहे हैं। अगर डिलेड कंसीडरेशन, गुड सर्विस बेच दिए, डिलेड कंसीडरेशन आपके पास में आया है, उसके ऊपर ब्याज की बात हुई है, तो वो आपका ब्याज यहां पर टैक्सेबल करार दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डेफर्ड पेमेंट ऑफ कंसीडरेशन, डेफर्ड पेमेंट की बात करी जा रही है, डेफर्ड पेमेंट की आपसे बात करी जा रही है, डेफर्ड पेमेंट की बात करी जा रही है। जैसे कि हायर परचेज ट्रांजैक्शन होती है, उसके अंदर इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वो भी टैक्सेबल रहेगा। बैंक चार्जेस एटसेट्रा हैं, वो सब के सब आपके यहां पर टैक्सेबल करार दिए जाएंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे हम चर्चा को बढ़ा के चल रहे हैं, जहां पर फॉरेक्स संबंधी बात करने के लिए जा रहे हैं। फॉरेक्स संबंधी बातों में क्या होता है मालिक, उसमें कह रहे हैं कि अगर फॉरेक्स की जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं वो सिमिलर बिजनेस वाले के साथ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए बैंक के साथ या डीलर के साथ या डीलर बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, जीएसटी ना लगाया जाएगा। लेकिन जैसे ही पब्लिक इन्वॉल्व हो जाएगी उस ट्रांजैक्शन पर आपका जीएसटी लगा दिया जाएगा। बैंकिंग कंपनी के रेस्पेक्ट में ये आपकी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है, जिसमें बोलते हैं कि जो बैंक है अपनी सर्विसेज दे रहा है उन व्यक्तियों को जिनका अकाउंट जनधन योजना में है, जीरो बैलेंस वाला है मालिक, तो उसे बोलते हैं बेसिक सेविंग अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो वहां पर बैंक की तो आदत है भाई, कुछ चार्ज वार्ज लगाते रहते हैं, तो जो भी चार्ज वगैरह लगाए जाएंगे इन पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। एन्युटी की बात करते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं जो माता पिता के लिए बड़ा सा एक फंड शुरू में जमा कर देते हैं, 1 करोड़ ये जमा कर दिया और उसके बाद एक निश्चित अवधि पर टुकड़ों में कुछ हर महीने पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो मूवमेंट हो रहा है इस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। ये पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट एक्ट के तहत अपना ऑपरेट किया जाता है। आगे बात कर रहे हैं ग्रुप इंश्योरेंस की। जो आर्मी वाले पर्सनल्स हैं, आर्मी के हों, नेवी के हों, एयरफोर्स के हों, तो इनके लिए ग्रुप इंश्योरेंस फंड बना हुआ है, जिसके माध्यम से इन पर्सनल्स का यहां पर कोस्ट गार्ड भी इसमें शामिल है, इंश्योरेंस करवाया जाता है, जिस पर नॉमिनल प्रीमियम होगा और अच्छा खासा रिस्क कवर दिया जाएगा। और प्रीमियम के ऊपर हम जीएसटी की बात भी नहीं करके चलते हैं, वो जीएसटी आपका एग्जेम्प्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं आपके पॉइंट 30, 31 और साथ में 31A भी जुड़ गया है और 31B भी जुड़ गया है, पिछली बार ये अमेंड हुआ था। ऐसे करके 6 पॉइंट आपके सामने आते हैं। 6 के अंदर आता है ESI, EPFO, IRDA, SEBI, CMPFO कोल माइन, PFO मींस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल पेंशन स्कीम। ये अपनी जो आगे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जिसके रूप में इनके पास जो पैसा आता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फी के रूप में बेसिकली आता है। जैसे IRDA इंश्योरेंस कंपनीज को अपनी सर्विस दे रही है, तो वो जो फीस उनसे मिलती है उस पर जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। अक्वायरिंग बैंक की बात करके चलते हैं। हम डिजिटल इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वहां पर जब भी हम कोई सामान खरीद कर लाते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, तो वहां पर कार्ड वगैरह के माध्यम से जब पेमेंट किया जाता है तो वहां पर बैंक चार्ज लगते हैं कुछ, और बैंक चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। अगर आपकी ट्रांजैक्शन जो कार्ड के थ्रू हो रही है, अगर वो 2000 तक की ट्रांजैक्शन है, तो 2000 तक की ट्रांजैक्शन पर जो बैंक चार्ज बने उन बैंक चार्जेस पर जीएसटी ना लगाया जाएगा। अगर ट्रांजैक्शन आपकी 3000 रुपए की है, तो उस पर जो 2% के लगते हैं बेसिकली बैंक चार्ज, 3000 की ट्रांजैक्शन है उस पर ऊपर आपके 2% से 60 रुपए के बैंक चार्ज लग जाएंगे, वहां पर जीएसटी लगा दिया जाएगा। 1500 की ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस 30 रुपए बने, 30 रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये एग्जाम्पल आपको मैंने दे रखा है। अगला पॉइंट आता है गारंटीइंग द लोन्स की वो बात करके आपसे चल रहे हैं। गारंटीइंग द लोन्स का मतलब क्या होता है? यहां पर ये जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, इसमें भी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है माय डियर। फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग कंपनीज की यहां पर बात करी जाती है। यहां लिख लीजिएगा बैंकिंग कंपनीज। मैंने कहा था ना कि एक दो छुटपुट कोई पॉइंट गलती से रह गया है कॉम्पैक्ट के अंदर, तो मैं आपको यहां पर उसे करेक्ट करवा दूंगा। तो बैंकिंग कंपनीज आप यहां पे लिखेंगे, यहां पर एक लेटेस्ट अमेंडमेंट है ये वाली, ऐसे करके। तो बैंकिंग कंपनीज हैं या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हैं, इनसे लोन लेते हैं कौन? जो सरकारी महकमे हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, PSUs एटसेट्रा हैं, ये इनसे लोन लेती हैं। जो लोन यहाँ पर लिया जाता है ना मालिक, वो मान लीजिए 20,000 करोड़ का यहाँ पर लोन लिया है, तो वहां पर क्या करते हैं ये बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटर मांगते हैं। गारंटर के तौर पर ये इनको गारंटी देते हैं कि अगर यहां से डिफॉल्ट हो गया तो पेमेंट आपको हम कर देंगे। ये गारंटी देने के बदले इनसे कुछ चार्जेस लिए जाते हैं। मान लो 1% का चार्ज ले लिया तो 20,000 करोड़ का 1% 200 करोड़ हो गया। 200 करोड़ रुपए के ऊपर GST नहीं लगाया जाएगा। जनरल इंश्योरेंस की बात करके चलते हैं, जहां पर नॉमिनल प्रीमियम होता है और नॉमिनल प्रीमियम के ऊपर GST भी आपका नहीं लगाया जाता है। इसके लिए अलग अलग प्रकार की स्कीम सरकार ने चला रखी, ढेर सारी स्कीम है। स्कीम का नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, हट इंश्योरेंस योजना, ऐसे कर 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 हट इंश्योरेंस, तो इन पे ना आपका बड़ा छोटा सा प्रीमियम होगा और GST की बात भी नहीं होगी। और इन स्कीम के लिए जो एलिजिबल लोग हैं वो कौन से हैं? जो गरीब जनता है, जो BPL कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, या APL कैटेगरी में आते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन। अबव का मतलब बहुत अबव नहीं हो गया, मार्जिनली अप से होता है कि ये BPL की लाइन हो गई और BPL से थोड़ा सा ऊपर वाले जो लोग हैं वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो 35वें पॉइंट के अंदर जनरल इंश्योरेंस है। 36 और 36A पॉइंट क्या बोलता है मालिक? यहां पर ये कह रहे हैं कि इसी प्रकार से यहां भी गरीब लोग हैं, लेकिन यहां पर लाइफ इंश्योरेंस की बात की जा रही है। अलग अलग प्रकार की स्कीम है, जैसे जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, लाइफ माइक्रो प्रोडक्ट, जिसमें सम एश्योर्ड 2 लाख तक का है। सोचिए वो कितना गरीब आदमी होगा जिसका मैच्योरिटी वाला अमाउंट 2 लाख रुपए तक का है। तो अगर इस प्रकार की पॉलिसी ली जाती है, वरिष्ठ पेंशन, प्रधानमंत्री जनधन, जीवन ज्योति, ये अलग अलग स्कीम के नाम है। वया वंदन योजना, इसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे बाद में ऐड करी गई है, ऐसे करके। और दूसरा आप 2 लाख की लिमिट को ध्यान रखिएगा। अगर 2.5 लाख का रिस्क कवर आ रहा है, यहां पर आपका एश्योर्ड अमाउंट आ रहा है, तो फिर उसके प्रीमियम पर GST लग जाएगा। 2 लाख तक का है अगर इस स्कीम के तहत, तो वहां पर GST की बात नहीं करी जाएगी। नॉमिनल प्रीमियम है, GST भी नहीं लगाया जाएगा उस प्रीमियम के ऊपर। इसके अंदर एक छोटी सी बात और बोली जाती है, 36A के अंदर रीइंश्योरेंस की चर्चा भी करी जाती है माय डियर। हालांकि रीइंश्योरेंस का पॉइंट शायद मैंने आगे इसमें दे रखा होगा, बता देता हूं। रीइंश्योरेंस अगर मान लीजिए ये आपका सीरियल नंबर जो है यहां पर 35 है और दूसरा 36 है, तो 35 और 36 और एक और आएगा आपका सीरियल नंबर 40, जहां पर सारा का सारा प्रीमियम सरकार देती है। जैसे स्कूली बच्चे हो गए, पुलिस वाले अंकल हो गए, इन सबका भी प्रीमियम सरकार देकर चलती है, इनका इंश्योरेंस करवाया जाता है, तो वो भी एग्जेम्प्ट होता है। तो 35वां जनरल इंश्योरेंस, 36वां लाइफ इंश्योरेंस और 40वां जहां प्रीमियम सरकार देती है, तो इनका अगर री इंश्योरेंस भी किया जाएगा, सब कॉन्ट्रैक्टिंग भी करी जाएगी, तो भी हम लोग वहां उस अमाउंट के ऊपर GST की बात नहीं करके चलेंगे। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे बात करते हैं मालिक अटल पेंशन की, यहां पर चर्चा करी जा रही है। अटल पेंशन के अंदर क्या बोल रहे हैं? अटल बीजेपी ने इंट्रोड्यूस की अटल पेंशन योजना है, या ऐसी ही सिमिलर स्कीम स्टेट लेवल पर भी इश्यू की गई हैं, तो वैसे के ऊपर भी हम GST की बातें नहीं करके चलेंगे। 37 और 38 पॉइंट आपके यही बात करते हैं। एजेंसी, इसकी चर्चा तो अमेंडमेंट क्लास में कई बार हुई है माय डियर। इसमें बताते हैं कि जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं, जो बेसिकली रिटेल या माइक्रो लेवल की ब्रांचेस होती हैं बैंक की, तो BC हैं या जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, ये जो बैंक को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं टू फैसिलिटेट द अकाउंट होल्डर्स। अगर वो अकाउंट होल्डर्स जो हैं बेसिकली रिलेटेड टू अ रूरल ब्रांच ऑफ द बैंक हैं, तो इन बिजनेस फैसिलिटेटर या बिजनेस करस्पॉन्डेंट को मिलने वाले कमीशन पर GST नहीं लगाया जाता है। साथ में जो प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह होती हैं विद रिस्पेक्ट टू बैंक, जो उनको प्लेस करवाती है, यहां पर उनके ऊपर भी GST की बात नहीं करी जाती है। आगे बात करते हैं इंटरमीडियरी फाइनेंशियल सर्विसेज। एसईजेड के अंदर रहकर आप वहां से कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज ओवरसीज क्लाइंट को दे रहे हो, कंसीडरेशन फॉरेन करेंसी में आ रहा है तो भी हम जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। ये वाला पॉइंट मैंने अभी कुछ देर पहले बोला था कि जहां पर मान लीजिए गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं और गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय का बीमा करवा रखा है एलआईसी से, जिसका प्रीमियम सरकार ही यहां पर देकर चलती है, तो इस वाले प्रीमियम पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आगे है लॉन्ग टर्म लीज की बात यहां पर करी जा रही है। जब स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अंडरटेकिंग जो है, या मतलब पूर्ण रूप से गवर्नमेंट हो गया या सेमी गवर्नमेंट, जहां पर 50% या और मोर की पार्टनरशिप गवर्नमेंट की ओनरशिप गवर्नमेंट के पास में है, जब ये लॉन्ग टर्म लीज पर जमीनें देते हैं माय डियर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, फैक्ट्री वगैरह लगाने के लिए, इंस्टीट्यूशनल पर्पस के लिए, तो वहां लीज रेंटल पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। यह आपका रियल एस्टेट संबंधी पॉइंट, इसमें सिर्फ पैरा 1 ही रेलिवेंट है, बाकी आगे पैरा देखने की आपको इसमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि मना कर दिया है आपको सी इंस्टीट्यूट ने 22 जुलाई की नोटिफिकेशन के अंदर। इसमें बताया जा रहा है कि टीडीआर और एफएसआई, बड़ी तमीज से और बढ़िया तरीके से मैंने आपको टीडीआर एफएसआई का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। टीडीआर और एफएसआई के में जो आपने ये किया है तो ये जो आपकी सर्विस है एग्जेम्प्ट हो जाएगी टू द एक्सटेंट जितना आपका फ्लैट के ऊपर जीएसटी लग चुका है। या तो जीएसटी फ्लैट्स पे लगेगा, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिके हैं तो फ्लैट पर जीएसटी आएगा और ये टीडीआर एफएसआई एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और फ्लैट आपके कंप्लीट हो गए, बिके नहीं हैं तो उन पर जीएसटी नहीं आएगा और इन पर जीएसटी लग जाएगा। और जब इन पर जीएसटी आएगा टीडीआर एफएसआई पर तो वो रिवर्स चार्ज में आएगा, प्रमोटर लायबल टू पे जीएसटी उसके ऊपर हो जाएगा। सिमिलर 41A जैसा पॉइंट 41B है जो लीज के संबंध में बात करके चलता है, लॉन्ग टर्म लीज के संबंध में। इसमें भी सिर्फ आपको पहला ही पैरा पढ़ के चलना है, बाकी आपको इसमें देखने की आवश्यकता नहीं है मालिक। ठीक सर जी। 42वां पॉइंट स्पेक्ट्रम को लेकर बात करता है। 20 साल के लिए बेसिकली स्पेक्ट्रम दिए जाते हैं, कुछ पुराने पाप थे, पुराने ड्यूज थे पुराने समय के, जब स्पेक्ट्रम पर जीएसटी की बात नहीं होती थी, अब आके रिसीव हो रहे हैं, अब उन पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा पुराने पापों पर। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, वो अपने वैगन कोच इंजन वगैरह देती है, अपने इंडियन रेलवे को लीज पर देती है। बेसिकली ये पीरियड 10 साल का यहां पर होता है, तो इसके लीज रेंटल पर भी जीएसटी की बातें नहीं करी जाएंगी। इनक्यूबेटर की बात करते हैं, जो आपके स्टार्टअप्स हैं उनकी चर्चा यहां पर करी जा रही है। स्टार्टअप्स जो इनक्यूबेटी हैं, इनक्यूबेटर यानी रिसर्च सेंटर के अंदर जाकर जब वो अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो उनके लिए बोला गया, पहली बात एग्जम्पशन का दायरा सिर्फ पहले 3 साल रहेगा। दूसरी बात, वो भी तब रहेगा जब प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में आपका 50 लाख तक का टर्नओवर सीमित हो। और उसके बाद एक और बात बोली है कि अगर ये दोनों कंडीशन पूरी है, 3 साल के दायरे में हो, पिछले साल में 50 लाख तक सीमित हो, तो करंट फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 50 लाख तक की एग्जम्पशन आपको देके चलेंगे, अदरवाइज आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। आगे प्रैक्टिस के लिए मैंने यहां पर चीजें आपको बता रखी है। उसके बाद में मालिक आता है आपका यहां पर पॉइंट लीगल सर्विसेज के बारे में बात करके चलते हैं। क्या बोलता है यहां पर? तो भाई लीगल सर्विस के अंदर बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, 3 लोगों की बात करी गई है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की, एडवोकेट की फर्म हो या फिर वो इंडिविजुअल हो। और इंडिविजुअल के अंदर बात कर रहे हैं जूनियर की, जूनियर एडवोकेट, हालांकि जूनियर नाम कोई नहीं दिया गया है, इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं अदर देन सीनियर के तौर पर इसको पढ़ा जा सकता है। तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है या फिर एडवोकेट की फर्म या फिर एडवोकेट इंडिविजुअल जूनियर या फिर एडवोकेट सीनियर है, तो इनके बारे में कॉमन प्रोविजन है, बताया जाता है कि अगर ये अपनी सर्विसेज दे रहे हैं किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को या फिर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज ये दे रहे हैं तो वहां पर आपका जीएसटी एग्जेम्प्ट किया जाएगा, क्योंकि बेसिकली इस तरह की सर्विसेज पर आरसीएम का प्रोविजन है आगे चलकर, तो मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। तो जिनके लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, अगर ये एग्जेम्प्ट ना होता, टैक्सेबल ही होता, तो इनसे रिकवरी में दिक्कतें आ जाती। जैसे नॉन बिजनेस एंटिटी है, रजिस्ट्रेशन तो रहा नहीं होगा उसका, कोई भी किसी प्रकार का काम धंधे वाला आदमी नहीं है, तो क्या आप उसको कह सकते हो कि भाई साहब आरसीएम में रजिस्ट्रेशन करा और तू टैक्स भर दे? वो पॉसिबल नहीं था, इसलिए जहां जहां पर रिकवरी पॉसिबल नहीं थी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। जैसे दूसरा गरीब बिजनेस एंटिटी जिसका कारोबार 20 लाख या 10 लाख तक सीमित है उसको गरीब बिजनेस एंटिटी कह रहे हैं, वहां पर भी एग्जाम्पशन है क्योंकि उसका भी रजिस्ट्रेशन नहीं रहा होगा। अमीर बिजनेस एंटिटी यानी कि इसका कारोबार 20 लाख 10 लाख से ऊपर है, रजिस्टर्ड रहा होगा, तो वहां पर आरसीएम लगा दिया जाएगा और वो टैक्सेबल अपना कर दिया जाएगा। सेम प्रोविजन तीनों के अंदर दे रखा है। लीगल सर्विसेज के अंदर आपकी आती हैं एडवाइस है, कंसल्टेंसी है, रिप्रेजेंटेशनल सर्विसेज हैं और आपके जो असिस्ट करने वाली सर्विसेज हैं, लाइक जैसे वकील साहब से कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करवा लिया आपने या फिर आपने कोई रिटर्न फाइल करवा ली अपनी, तो ये असिस्ट करने वाली असिस्टेंट की सर्विसेज कही जाती हैं। ऐसे करके आगे बात आ रही है हल्की फुल्की हेल्थ केयर के संबंध में है। पशु पक्षियों की जो हेल्थ के बारे में बात करी जाती है, चाहे वो डायग्नोस्टिक हो, ट्रीटमेंट हो या केयर हो, डीटीसी डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट या केयर हो, पशु पक्षियों के संबंध में उस पर कोई किसी प्रकार के जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। फिर हम बात करते हैं सीरियल नंबर 47 और 47A की। इसमें बताते हैं कि सरकारी जांच जो होती है बेसिकली जैसे इंक्लूडिंग एफएसएसआई, चाहे वो फायर सेफ्टी के संबंध में जांच हो, चाहे वो फूड के संबंध में जांच हो या और कोई प्रकार की सरकारी जांच हो, उन पर भी आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। बायो इंक्यूबेटर की जो सर्विसेज दी जाती हैं उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं न्यूज की। तो जैसे न्यूज पेपर होता है तो न्यूज पेपर के ऊपर जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। वो अपना हालांकि गुड्स होता है लेकिन उसके गुड्स के संबंध में रेट जीएसटी का निल दे रखा है, तो मतलब उस पर बात नहीं होती, यानी कि इनका कोई आउटपुट जीएसटी यहां पर नहीं आता, मतलब इनको आईटीसी का कोई चक्कर नहीं पड़ेगा। और खबरें सरकार कहती है कि खबरें जनता तक कम से कम कीमत पर पहुंचनी चाहिए, इसलिए पीछे से जो सप्लाई इनकी आ रही हैं उनको भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया है। पीछे सप्लाई इनके पास खबरें आती कैसे हैं, या तो जर्नलिस्ट से आएंगी या फिर जो पीटीआई और यूएनआई अपनी एजेंसीज हैं, न्यूज एजेंसीज हैं, यहां से खबरें आएंगी। न्यूज एजेंसी से खबर आती है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, जो इनके जर्नलिस्ट हैं, जो एम्प्लॉय हैं, तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप सप्लाई नहीं बनती, गेट नंबर 2 से बाहर कर दी जाएगी, इसलिए वहां पर भी जीएसटी की बात हम नहीं करके चलते हैं। और जो आपके जर्नलिस्ट सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो सर्विस आपको दे रहे हैं, उसके लिए स्पेसिफिकली यहां पर एग्जम्पशन दे देगी। तो बेसिकली ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट यहां एग्जम्पशन के अंदर कवर किया गया है। लाइब्रेरी की बात करते हैं, पढ़ेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो कहा जा रहा है कि देखो भैया, बात ऐसी है कि अगर लाइब्रेरी पब्लिक है तो उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, और अगर लाइब्रेरी अदर देन पब्लिक है यानी कि लिमिटेड लोग ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी हो गई, तो उसे सीरियल नंबर 66 के माध्यम से बाहर का दरवाजा दिखा दिया गया है। जीएसटी पोर्टल, जो कि एक जीएसटीएन नामक कंपनी है, सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड आती है ये। इसकी जो सर्विसेज दी जाती है गवर्नमेंट के लिए, जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी के तौर पर काम करती है, तो ये जो भी कंसीडरेशन गवर्नमेंट से रीइंबर्समेंट के तौर पर आता है, जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बिजनेस एग्जीबिशन, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रोडक्ट की बाहर एग्जीबिशन में ले जाना पड़ता है, जैसे बाहर के लोग हमारे इंडिया में ट्रेड फेयर के लिए आते हैं, ऐसे यहां से वहां लोग जाते हैं, तो इसके संबंध में जो भी खर्चा पानी आएगा उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, वैसे करके बोलते हैं। स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, जी स्पोर्ट्स इवेंट की स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो वहां पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। हालांकि स्पोर्ट्स के अलावा किसी और चीज की स्पॉन्सरशिप करी जा रही है तो वहां पर रिवर्स चार्ज के अंदर जीएसटी का पेमेंट करना होता है माय डियर। जैसे कि मान लीजिए ये नेपाली स्टूडेंट थे हमारे, इन्होंने कुछ हमने कंट्रीब्यूट किया था जब एलडाइन बना था उस समय पर, तो वो अपना टैक्सेबल कर दिया जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स के संबंध में अगर है तो वहां पर वैसे करके बात की जाती है। ठीक है जी। एग्रीकल्चर के संबंध में स्पेसिफाइड सर्विसेज रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के संबंध में हो। एग्रीकल्चर क्या है? कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, खेतीबाड़ी करना, और साथ में पशुपालन करना। पशुपालन किस लिए करते हैं? ट्रिपल एफ के लिए, फूड के लिए, फाइबर के लिए, फ्यूल के लिए करके चलते हैं। घोड़ा पालन यहां नहीं आएगा, घोड़ा दूध नहीं देता है, ऐसे करके यहां पर बात करी जाती है। हॉर्स के रिस्पेक्ट में हम बात नहीं करेंगे, हॉर्स रियरिंग की बात नहीं करेंगे, अदरवाइज जो खेती बाड़ी है और जो पशुपालन है एग्रीकल्चर में आएगा। इनसे कनेक्टेड जो सर्विसेज होंगी उन पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। मोरओवर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के कनेक्शन में जो सर्विसेज होंगी उस पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वहां तक माना जाता है जहां तक कि किसान का हाथ लगा हुआ होता है। शुगर कैन ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन शुगर कैन से बना हुआ जो गुड़ या चीनी होता है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता। टमाटर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन उसमें बना हुआ सॉस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता है। राइस को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं मानते हैं, लेकिन जो पैडी है वो आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैटेगरी में आ जाता है। तो इनसे कनेक्टेड एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से कनेक्टेड जो सर्विसेज हैं चाहे वो फार्म लेबर की हो, चाहे रेंटिंग ऑफ एग्रीकल्चर लैंड की हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज हो, चाहे वो पैडी के रेस्पेक्ट में हो, वैसे करके सारी की सारी चीजें आपकी ये टैक्सेबल कर दी जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कमीशन अगर लिया जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ राइस तो वो कमीशन आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फ्यूमिगेशन ऑफ वेयर हाउस जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को रखा जाता है, वो भी जो पेस्ट कंट्रोल की बेसिकली ये सर्विस होती है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। जॉब वर्क के बारे में बात करके चलते हैं। सीरियल नंबर 55 जॉब वर्क की चर्चा करता है। कह रहे कि जॉब वर्क जब करवाते तो जॉब वर्क अपने आप में एक सर्विस होता है और नॉर्मली उस पर जीएसटी लगाया जाता है, परंतु अगर वो जॉब वर्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, एग्रीकल्चर के रेस्पेक्ट में है, तो जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। टेस्टिंग के दौरान कई सारी प्रोसेस होती है, कलेक्शन होता है, टैगिंग होती है, टेस्टिंग होती है, रिपोर्टिंग होती है। अगर इनमें से एनी ऑफ द प्रोसेस आउटसोर्स की जाती है, सिंगल प्रोसेस आउटसोर्स की जा रही है, तब भी हम लोग जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दैट इज एनी ऑफ द व्हाट इफ एनी ऑफ द इंटरमीडिएट प्रोसेस आउट सोर्स किया जाता है तो वो भी आपका एग्जेम्प्टेड कर दिया जाता है। लेकिन पैडी से अगर हम राइस की बात करते हैं और ये काम जॉब वर्क पे करवा रहे हैं तो ये हमारी जो एक्टिविटी है अपनी टैक्सेबल कही जाती है एज पर द सर्कुलर। ठीक है जी, आगे बात करते हैं इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक। जो पशु होते हैं, हॉर्स घोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, जो पशु होते हैं उनका जो कृत्रिम गर्भाधान होता है यानी कि इंसेमिनेशन होता है उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। स्लॉटरिंग, जो स्लॉटर हाउस बने हुए हैं, उर्दू में बोलते हैं जवाखाना, तो वहां पर वैसे करके उस पर भी, उस सर्विस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाती है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये नॉन वेज की बात करिए, अभी वेज की बात करते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल के संबंध में जो भी सर्विसेज अगर एट फार्म दी जा रही हैं, एट कहां दी जा रही है, फार्म, खेत पर ही दी जा रही हैं, तो सीरियल नंबर 54 के मुताबिक जीएसटी नहीं लगाया जाता। लेकिन फार्म के अलावा कहीं और दी जा रही हैं, ये प्लेस अदर देन आपका फार्म आ जाता है, अदर देन फार्म दी जा रही हैं, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जैसे फल और सब्जियों के संबंध में प्री कंडीशनिंग होती है, प्री कूलिंग होती है, वैक्सिंग होती है, राइपनिंग मतलब पकाना होता है, और रिटेल पैकेजिंग, लेबलिंग वगैरह, ये तमाम प्रकार की जो एक्टिविटी है इनके ऊपर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। नॉन वेज अगर एग्जेम्प्टेड है तो वेज भी एग्जेम्प्टेड कर दिया जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट NCCCD की जो सर्विसेज हैं, कोल्ड चेन नॉलेज डिसमिनेशन की जो सर्विसेज हैं, उन पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ये बेसिकली इसके जो मेंबर्स लोग होते हैं, मेंबर्स लोगों के रेस्पेक्ट में कुछ नॉलेज, अपने डिसमिनेशन का नॉलेज स्पेयर करके चलते हैं, नॉलेज को बांटते हैं उनके बीच में, बेसिकली उसके लिए एक मेंबरशिप फी ली जाती है, उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। एम्बेसी, वीजा जो ग्रांट करती है, वीजा फीस के रिस्पेक्ट में जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। लेकिन जो मीडिएटर लोग होते हैं, जो वीजा दिलवाते हैं एम्बेसी के थ्रू, जो मीडिएटर का कमीशन होगा उस पर लगेगा, लेकिन वीजा की जो एक्चुअल फीस होती है जो एम्बेसी को जाती है उस पर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। रिलीजियस जर्नी, दो जर्नी यहां पर आई है, एक है आपकी है कैलाश मानसरोवर की यात्रा, दूसरी यहां पर हज यात्रा है। तो ये बेसिकली आउट ऑफ इंडिया इनके ये बने हुए हैं प्लेसेस, तो इसके लिए जो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड है, कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यहां पर जो भी ये फीस लेंगे उस पर जीएसटी की बात नहीं होगी। हज यात्रा को हज कमेटी जो कि सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पर है, वो जो अपनी फीस लेती है उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। वीजा, पासपोर्ट हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह हो, इनके ऊपर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। अब सर जी वीजा की बात तो पहले भी कर दी आपने मैसेज में, फिर यहां पर वीजा की बात करो, वीजा फिर दूसरी बार कैसे आ गया? यह बाबू आपका वीजा ऑन अराइवल, इसकी फीस भारत सरकार को जाती है। जैसे मान ली करीब 70 देश के आसपास हैं, इंडिया की मैं बात करके चल रहा हूं कि बाहर से व्यक्ति आ जाता है और इंडियन एयरपोर्ट पर आकर वीजा लेता है। करीब 25-30 काउंटर बने हुए हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, T3 पर आपके, तो वहां पर जो भी फीस आएगी भारत सरकार के नाम में उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। नॉन परफॉर्मेंस, अगर आप किसी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हो जिसके बदले सरकार को आपने पेमेंट करना होता है कुछ डैमेज या लिक्विडेशन तो नहीं, डैमेज चार्जेस आपको देने होते हैं, एक तरह से पेनल्टी आपको देनी होती है, उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएंगी। किसानों के लिए जो भी यहां से, जैसे किसान क्या करते हैं कि अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए जो नहर नाले वगैरह निकले हुए हैं, ये नेचुरल रिसोर्स होती है, भारत सरकार का इस पर कंट्रोल होता है, तो इसके लिए कुछ फीस पेमेंट वगैरह करना होता है। जो अपने खेतों की सिंचाई करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को उसका रेवेन्यू जाता है, वो फसल के हिसाब से जाता है कि कौन सी फसल किस प्रकार की है, तो उस फीस के ऊपर, उस पैसे के ऊपर जीएसटी की बात नहीं करेंगे। कोल माइन, स्पेक्ट्रम जैसा ये पॉइंट है, कोल माइन के संबंध में पुराने कुछ पाप हैं, जब इस पर जीएसटी नहीं लगता, जब सर्विस टैक्स नहीं लगता था उस समय का अगर कोई पैसा अब यहां पर आ रहा है तो उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। कोल मर्चेंट ओवर टाइम फी की बात कर रहे हैं। होली, दिवाली, ईद, दशहरा, ये जो फेस्टिवल होते हैं इन पर मान लीजिए किसी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर हो रहा है तो वहां पर जो कस्टम के अधिकारी लोग होंगे उन्हें अपना ओवरटाइम करना होगा, और ओवरटाइम जब वो करते हैं तो वो वाला पैसा कहीं ना कहीं उस इम्पोर्टर एक्सपोर्टर से ही रिकवर किया जाता है, और जो उससे रिकवर किया जाएगा उससे बोलते हैं मर्चेंट ओवरटाइम फी। तो जो मर्चेंट ओवरटाइम फी है उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। आरटीआई 10 रुपए की फीस जाती है, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। ईआरसीसी ये गवर्नमेंट को पैसा जाता है, जो कॉन्ट्रैक्टर लोग होते हैं उस पर भी जीएसटी की बात नहीं करके चलेंगे। आपके रॉयल्टी संबंधी एक सर्विस यहां पर दी जाती है। एजुकेशन के संबंध में सीधी बात, नो बकवास। कि देखो भैया, चाहे आपकी स्कूलिंग की बात कर रहे हो, चाहे आप एक डिग्री कॉलेज की बात कर रहे हो, चाहे डिप्लोमा रन करने वाले इंस्टीट्यूट की आप बात कर रहे हो, इनके द्वारा दी जाने वाले जो सर्विसेज है स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, अगर ये एंट्रेंस एग्जाम संबंधी कोई सर्विसेज देते हैं तब भी जीएसटी की बात तीनों में नहीं लगाई जाएगी। ये तीनों के लिए कॉमन पॉइंट अपना आ जाता है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो सर्विसेज लेते हैं जैसे टीसीएस, ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी वगैरह की सर्विस दी जाती है, एंट्रेंस या फाइनल एग्जाम कंडक्ट करने की सर्विसेज होती है, एजुकेशनल पीरियोडिकल्स आते हैं, ये तीनों के अंदर पॉइंट लिखा हुआ है किन के लिए टैक्सेबल है, किन के लिए एग्जेम्प्टेड है। क्रक्स यहां बता रखा है जो टीसीएस की एग्जेम्प्ट चीजें हैं वो आपके स्कूल्स के लिए ही एग्जेम्प्टेड हैं, जो आपकी ईएनटी वाली सर्विसेज हैं ये सभी के लिए एग्जेम्प्टेड हैं, और जो एजुकेशनल पीरियोडिकल्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉलेजेस के लिए एग्जेम्प्ट किए गए हैं। एसएसी आउटवर्ड साइड में कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्ड साइड में याद रखना पड़ता है। टीसीएस सिर्फ और सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्टेड है। टीसीएस की फुल फॉर्म यहां पर बता रखी, ट्रांसपोर्ट, केटरिंग, इंक्लूडिंग मिड डे मील सर्विस, सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग की सर्विसेज की बात करते हैं। एसएफएस का मतलब स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ से है। ईएनटी मतलब एंट्रेंस एग्जाम या फाइनल एग्जाम रिलेटेड सर्विस की बात करते हैं, और ईडीयू का मतलब है एजुकेशनल पीरियडिकल्स की बात कर रहे हैं। तो टीसीएस सिर्फ स्कूल के लिए एग्जेम्प्टेड है, ईएनटी वाली सर्विसेज सबके लिए एग्जेम्प्टेड है, और एजुकेशन पीरियडिकल सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस के लिए एग्जेम्प्ट किया गया है, बाकी किसी और के लिए नहीं। ये लेटेस्ट अमेंडमेंट है 67 नंबर पॉइंट पर, यह पॉइंट आपका अमेंड हो गया है। क्या पढ़ते थे पहले? पहले पढ़ते थे कि आईआईएम जो भी अपनी सर्विस दे रहा है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के संबंध में जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर ये एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम दे रहे हैं, बेसिकली पार्टिसिपेंट्स लोगों को दे रहे हैं, तो वहां पर जीएसटी लगाया जाएगा। ये एंट्री डिलीट कर दी गई है क्योंकि इसमें जो बात लिखी है वो ऑटोमेटिकली 66 में कवर हो जाती है। पोजीशन अभी भी वैसी है जैसे पहले थी, लेकिन अब 67 की आवश्यकता दरअसल थी नहीं, तो इसलिए हटा दिया गया। मैं तो पहले से कहता था ये हट जाना चाहिए। आईआईएम भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ये भी अपने स्टूडेंट को कोई भी सर्विस देगा, जीएसटी की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो कहीं ना कहीं बेसिकली बिजनेस हेड के रूप में काम कर रहे होते हैं, तो उनको स्टूडेंट नहीं कहा जाता, उनको पार्टिसिपेंट कहा जाता है। मोरओवर उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी लॉ, और वो किसी करिकुलम के तहत नहीं दिया जाता है, इसलिए वो आपका टैक्सेबल रहेगा। और उसका यहां पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, एग्जम्पशन का पार्ट नहीं बनाया गया है, तो मतलब वो टैक्सेबल रहेगा। तो पोजीशन जो की त्यों है, जैसे पहले थी वैसे ही पोजीशन आज भी इन्होंने करके दी है माय डियर। आगे बात करते हैं, स्पोर्ट्स के संबंध में चर्चा की जा रही है। अंपायर हो, रेफरी हो, प्लेयर हो, कोच हो, मैनेजर हो, ये अपनी सर्विसेज एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को देते हैं, जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। या एक रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी दूसरी रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस देती है तो भी जीएसटी ना लगाया जाएगा। इसके अलावा आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, सब पर जीएसटी लग जाएगा। यहां पर भी जीएसटी लग जाएगा, यहां पर भी लग जाएगा, यहां पर भी। अगर ये इसको दें तो लगेगा, अगर बाकी लोग इनको दें तो भी जीएसटी लगेगा। सिर्फ यहां एग्जम्पशन है और आपकी यहां पर एग्जम्पशन दी गई है, बाकी कोई किसी प्रकार की एग्जम्पशन नहीं है। कॉर्पोरेट कम इंस्टीट्यूट, जो बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उन्होंने अपने एक बिजनेस स्कूल खोल रखे हैं ताकि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा सके, जिसमें अंबुजा सीमेंट, एशियन पेंट्स, अपोलो मेडिकल स्किल्स, हिंदुस्तान सॉफ्ट एजुकेशन, ये आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं। यहां पर आकर इनके ऊपर जीएसटी की बात नहीं होगी ताकि रोजगार जनरेट किया जा सके, वैसा करके यहां पर यह पॉइंट अपना डाला गया है। 70 और 71 के अंदर एसडीआई, और एसडीआई मतलब स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, और डीडीयू जीकेवाई का मतलब है दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की बात वो कर रहे हैं। ये बेसिकली ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करा के चलते हैं, रोजगार परक यानी कि एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ये अपनी सर्विसेज देते हैं। और खासतौर पर जो प्लम्बर हैं, कारपेंटर हैं, ये छोटे मोटे जो डिप्लोमा टाइप कोर्स होते हैं, इनकी ट्रेनिंग यहां पर दी जाती है और इसको ली गई फीस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। एजुकेशनल ट्रेनिंग ये बेसिकली जीएसटी से प्रेरित है। जिसे मान लीजिए जीएसटी आया था तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ी थी, जिसका पेमेंट सरकार ने ही किया था। अगर मान लीजिए एलडाइन सीए या प्रोवाइड सीए इनकम टैक्स अधिकारियों को या जो एक्साइज वाले अधिकारी थे या सर्विस टैक्स वाले या स्टेट वैट वाले अधिकारी थे उनको अगर ये अपनी सर्विसेज दे रही है यहां पर ट्रेनिंग की, उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। इवन जीएसटी ट्रेनिंग नहीं, कोई भी और अगर ट्रेनिंग हो तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि ट्रेनिंग से क्या होता है चीजें आगे बढ़ती हैं। वैसे करके यहां पर इन्होंने सोचकर ये बात रखी हुई है। कॉर्ड ब्लड बैंक, स्वास्थ्य संबंधी बातें आ गई हैं। जैसे क्रियो बैंक इंटरनेशनल है, वो कॉर्ड ब्लड बैंक को स्टोरेज और प्रिजर्व करने की सर्विसेज दे रहे हैं। माय डियर, वो जीएसटी से बाहर हैं। साथ में उसकी जो इंसिडेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जस्ट लाइक कलेक्शन की जो सर्विसेज हैं, जो ब्लड कलेक्शन की सर्विस देते हैं, उस पर भी जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। हेल्थ केयर की सर्विसेज हैं। हेल्थ केयर की सर्विस का मतलब क्या है? डीटीसी, डायग्नोस्टिक हो, ट्रीटमेंट हो और केयर हो। साथ में स्पेसिफाई किया गया है हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी। अगर ये केयर के लिए है, सौंदर्य को बढ़ाने के लिए है, केयर के लिए है, तो लगेगा। क्योर के लिए है तो नहीं लगेगा। इलाज के तौर पर हो रहा है ये सर्जरी वगैरह तो नहीं लगेगा, और केयर के लिए तो लग जाएगा। एम्बुलेंस की जो सर्विसेज है वो भी आपकी एग्जम्पशन कैटेगरी में आ जाती है। तो ये हेल्थ केयर की ये वाली सर्विसेज अगर इनके द्वारा दी जा रही है, ये कौन है? क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर या पैरामेडिक्स। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का मतलब आपके नर्सिंग होम आ गए, आपके हॉस्पिटल्स आ गए, पैथोलॉजी लैब आ गई, आपकी मेडिकल जो डॉक्टर हैं वो आ गए, नर्सिंग स्टाफ आ गया। तो यानी कि ये वाली सर्विसेज इनके द्वारा दी जा रही है, या ऐसे बोलूं कि ये सर्विसेज इनके द्वारा दी जा रही हैं, जीएसटी ना लगाया जाएगा। एम्बुलेंस के संबंध में बोलते हैं हेल्थ केयर की सर्विस है, लेकिन अगर वो इनमें से किसी के द्वारा ना भी दी जाए, एक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, डॉक्टर या इनके द्वारा ना दी जाए, किसी अन्य व्यक्ति, मैं दे रहा हूं एम्बुलेंस की सर्विसेज, उस पर भी जीएसटी ना लगाया जाएगा। रेफरल चार्जेस, जो एक हॉस्पिटल दूसरे से चार्ज करके चलता है, उस पर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि ये हेल्थ केयर से जुड़ा हुआ पॉइंट बेसिकली नहीं है। नया पॉइंट ऐड हुआ है यहां पर आकर आपका 74 ए करके। इसका सीधा सार ये है कि जो ट्रस्ट हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, ये बेसिकली ना नशा मुक्ति केंद्र ये ऑपरेट करके चलते हैं। नशा नाश का दूसरा नाम है, ऐसा बताया जाता है। और ये जो नशा मुक्ति केंद्र है किसी एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का पार्ट हो सकते हैं, ये स्टैंड अलोन भी हो सकते हैं, ये किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट का पार्ट हो सकते हैं। तो कैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उस पर जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। बायोमेडिकल वेस्ट, जो अस्पतालों से, डॉक्टर के यहां से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का ट्रीटमेंट, जैसे मान लीजिए एक लीडिंग कंपनी है सिनर्जी वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, अस्पतालों से, नर्सिंग होम वगैरह से ये अपने वेस्ट कलेक्ट करते हैं। सिरिंज वगैरह हो गई, खाली बोतल वगैरह हो गई, जो भी वहां से वेस्ट निकलता है उसको ट्रीट किया जाता है, रिसाइकल किया जाता है, या अन्य तरीके से उसका हिसाब किताब किया जाता है। तो उसके रेस्पेक्ट में जो चार्जेस होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। साथ में जो कलेक्शन चार्जेस लेके चलते हैं, उन कलेक्शन चार्जेस पर भी, मतलब वेस्ट को कलेक्ट करने के जो चार्जेस हैं, उस पर भी हम जीएसटी की बात नहीं करते हैं। पब्लिक कन्वीनियंस, जो जन सुविधाएं बेसिकली, बाथरूम, वॉशरूम, लेबोरेटरीज, यूरिनल्स, टॉयलेट एक्सेट्रा की जो सर्विसेज हैं, इस पर भी सुलभ शौचालय की जो सर्विसेज हैं, जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी ये पॉइंट अपने आ रहे हैं। आगे बात करते हैं मालिक एनपीओ की। एनपीओ का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए आपकी कोई ट्रेड यूनियन है, हिंद मजदूर सभा, मजदूर मुक्ति मोर्चा, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की बात कर रहे हैं, और इनके जो मेंबर्स बने हुए होते हैं, मेंबर तो वही लोग हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनसे जैसे ये रैली वगैरह निकालते हैं, रोड शो करते हैं कि हमारी मांगें पूरी करो, हमारी मांगें पूरी करो, ऐसे करके जो मांगें पूरी करवाते हैं उसके लिए खर्चा आता है, खर्चे को ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर जीएसटी ना लगाया जाएगा। इससे प्रेरित होकर लास्ट टाइम एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया था इसके अंदर 77 ए करके। लेकिन इनमें एक बात और दे रखी है कि यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, एक अगर आप एक रिलीजियस बॉडी हो और रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करते हो और वहां मेंबर्स से कुछ कंट्रीब्यूशन आपके पास में आता है, जीएसटी ना लगेगा। आरडब्ल्यूए है जो आपको ढेर सारी कॉमन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और कॉमन सर्विसेज के रेस्पेक्ट में अगर पर मेंबर कंट्रीब्यूशन 7,500 रुपए तक का है तो जीएसटी की बात नहीं करेंगे। इन्हीं बातों से प्रेरित होकर बाकी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सोशल वेलफेयर के संबंध में, माय डियर, अगर उनका कंसीडरेशन 1000 पर मेंबर पर ईयर, तुम यहां मिस्टेक करोगे, ये पर ईयर लिखा हुआ है, पर मंथ नहीं है, पर ईयर 1000 तक का आता है तो जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। फोक और क्लासिकल आर्ट, गोपी नैयर साहब, निलुपा देसाई, बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ये अपने पुराने नाम रहे हैं फोक और क्लासिकल आर्ट के अंदर, यानी कि देसी की बात कर रहे हैं। फोक का मतलब होता है ग्रुप में, और क्लासिकल आर्ट का मतलब होता है सोलो के अंदर। ये देसी जो एक्टिविटीज हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में अगर इनका कंसीडरेशन 1.5 लाख रुपए तक का आ रहा है तो जीएसटी की बात नहीं होगी। लेकिन अगर उनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कुछ पैसा मिल रहा है, एडवर्टीजमेंट से पैसा आ रहा है, उस पर नॉर्मल तरीके से जीएसटी लगा दिया जाएगा। आगे बात करी जा रही है मेरे बच्चा मेरे लाल मेरे काले मेरे पीले जू एंड प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की बात कर रहे हैं। जू कह लो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात कर लो, टाइगर रिजर्व्स की बात कर लो, म्यूजियम, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट की बात कर लो, तो इनके रेस्पेक्ट में हम लोग कह रहे हैं कि यहां पर आपका जीएसटी नहीं लगाया जाएगा वैसे करके। उसके बाद में अलग अलग आपकी एकेडमी खुली हुई होती है। बेसिकली इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एक रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, मौज मस्ती के लिए, लाइक हॉबी क्लास वगैरह, इन पर भी जीएसटी नहीं है। एंटरटेनमेंट दो प्रकार के होते हैं, खुद मजे करना और दूसरे को देखकर मजे लेना। खुद मजे कर रहे हो उसे एम्यूजमेंट के नाम से जाना जाता है, जीएसटी ऑलवेज लगेगा। एंटरटेनमेंट के अंदर दूसरे को देखकर मजा ले रहे होते हो, आप खुद एक्टिव मोड में नहीं पैसिव मोड में होते हो और दूसरा एक्टिव मोड में होता है, उसे देखकर आप मजे कर रहे होते हो। तो इसमें आती है डांस, थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग ड्रामा, बैले, सर्कस, उसके बाद अवार्ड फंक्शन, कॉन्सर्ट, पेजेंट, तमाशा हो, गीत संगीत समारोह हो, पंकज उधास का प्रोग्राम चल रहा है, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, और एक तो ही धनवान है गोरी, बाकी जैसे मान लो ये कंसर्ट चल रहा है तो उसके जो फीस है अगर वो 500 रुपए तक है तो एग्जाम्पशन है, अदरवाइज वो आपका टैक्सेबल कर दिया जाएगा। फीफा, ये बात तो मैं पहले भी कर चुका था। फीफा के रेस्पेक्ट में जो सर्विसेज की बात हम करके चलते हैं, जो एंट्री टिकट वगैरह की बात की जाती है, उस पर जीएसटी आपका नहीं लगाया जाएगा। ये फीफा कौन सा वाला है जो अंडर 17 2017 में हुआ था ना, अंडर 19 वाला, ये उसकी बात कर रहा है। उसके बाद में आपकी आईजीएसटी की एग्जाम्पशन यहां पर और निकल के आती हैं। वहां बोलता है कि अगर आप सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो और आप कौन हो, आप एक गवर्नमेंट हो या इंडिविजुअल हो जो पर्सनल यूज के लिए सर्विस लेके चल रहा है, या फिर आप एक ट्रस्ट हो, आगे चल के मिलेगा, आप एम्बेसी हो, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, ये नाम आगे और दिए गए हैं, या देने वाला तो वहां पर है ही है एंटिटी में, लेने वाला भी एंटिटी में हो तो भी एग्जम्पशंस आपकी दी जाती हैं। 2 केस मैंने आपको यहां सॉल्व करवा के दे रखे हैं, हालांकि इस मूवमेंट पर आवश्यकता नहीं है, मैंने पूरी लिंकेज करके वहां पर आपको दी थी। आरबीआई की मैं पहले भी बात कर चुका था, फिर बता दूं, आरबीआई अगर सर्विस इंपोर्ट कर रहा है तो वहां पर भी जीएसटी की बात नहीं होगी। फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूर, फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूर, तो फॉरेन जीएसटी माफ कीजिएगा। नेपाल भूटान लेटेस्ट अमेंडमेंट है। नेपाल चूंकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन में चेंज आया है, अब ये कह रहे हैं कि अगर कंसीडरेशन इंडियन रुपीज में भी आएगा नेपाल भूटान से तो भी उसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस बोलेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का मतलब जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड में आपको आईटीसी वगैरह सब मिल जाते हैं, तो अब ये एग्जेम्प्टेड ना रही है, अब ये जीरो रेटेड आपकी बन गई है, इसलिए यहां से लाइन डिलीट कर दी गई है। कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट रिफंड के चैप्टर में भी है, कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आपकी आईटीसी के चैप्टर में भी करी गई है बाबूजी, ऐसे करके, और एक अमेंडमेंट आपकी यहां पर आ गई। डीम्ड डिस्टिंक्ट की वो बात कर रहे हैं कि एक्सपोर्ट के मामले में अगर ब्रांच ऑफिस या हेड ऑफिस के बीच में बात हो रही है तो ये इसको सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का ठप्पा नहीं दिया जाएगा। ये आपके यूनाइटेड नेशंस अगर इंपोर्ट करता है तो जीएसटी की बात नहीं करेंगे, ये इंपोर्ट करता है तो भी जीएसटी की बात नहीं करेंगे। और एसईजेड में आप जानते ही हैं माय डियर, एसईजेड मतलब नो जीएसटी एट ऑल, वैसे करके जीएसटी चार्ज ही नहीं किया जाएगा। कॉरस्पॉन्डिंग अमेंडमेंट आपकी रिफंड के चैप्टर में भी करी गई है। आगे ये सर्कुलर से हैं, सर्कुलर के अंदर कोई ऐसी नई बात नहीं है जो मुझे यहां बोलने की आवश्यकता पड़े। सर्कुलर आपके क्लैरिफिकेटरी इन नेचर होते हैं मालिक, तो आप इस मूवमेंट पर इनको ना भी देखो तो भी चलेगा। हालांकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, आप देखना चाहो तो इसे देख सकते हो, अदरवाइज आवश्यकता है नहीं। ये कॉस्ट पेट्रोलियम की बात करते हैं, जिसमें एक हल्का सा मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट जो होती है, मान लीजिए ओएनजीसी को इन्होंने कोई ड्रिल वगैरह करने का काम दे दिया, पेट्रोलियम को वहां से ड्रिल करते हैं, इनकी जो भी कॉस्ट आती है वो कॉस्ट ये अपनी तरफ से इनकर करेंगे, पेट्रोलियम को बेचेंगे। मान लो 10,000 करोड़ का ये बिक गया, 10,000 करोड़ की कॉस्ट आई, 15,000 करोड़ का ये बिक जाता है, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, उसे आपस में ये और ओएनजी से शेयर कर लेते हैं। इस पूरे खेल के अंदर कहीं कोई जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी, वही चर्चा आपकी यहां तक दे रखी है। उसके बाद में ज्वाइंट वेंचर वगैरह सब बेकार की बातें हैं। टेनेंसी राइट जो होते हैं उसके संबंध में बताते हैं कि अगर कुछ स्टेट के अंदर ना पगड़ी सिस्टम चलता है। पगड़ी का मतलब ये होता है वहां पर कि वो एक प्रकार से एडवांस रेंट होता है, जो मोटा मोटा एडवांस रेंट ले लिया जाता है। तो उस एडवांस रेंट के ऊपर नॉर्मल रेंट की तरह ही बिहेव करके चलेंगे। अगर वो कमर्शियल प्रॉपर्टी का है तो लगेगा टैक्स, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यूज फॉर रेजिडेंस है तो जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। वैसे करके ये वाला जो सर्कुलर था ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है आपके मालिक सप्लाई वाले चैप्टर के अंदर कि वेयरहाउस गुड्स अगर बेच दिया जाता है, वेयरहाउस गुड्स अगर बेच दिया जाता है क्लियरेंस से पहले तो जीएसटी की बात नहीं करी जाएगी। और ये बाकी के आपके पॉइंट रेलिवेंट नहीं है। ऐसे करके हम अपनी बात कर सकते हैं, तो ये पॉइंट आपके रेलिवेंट नहीं है। तो यहां पर आकर ये बातें हुई हैं खत्म। ठीक है जी। अब इसके बाद आपका क्या निकल कर आता है, तो मालिक मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एग्जम्पशंस के अंदर की बात तो आपने पढ़ ली है। मैं ये चाहूंगा कि आप ना वेबसाइट पर जाना, ठीक है, और ca rajkumar.com पर जाना और वहां पर आपको ये दो डायग्राम मिलेंगे। एग्जम्पशंस के तमाम को ग्रुप करके याद रखना एक चैलेंजिंग काम होता है, हालांकि मैंने भरसक प्रयास किया था ड्यूरिंग द क्लास आपको याद करवाने का, याद हुए भी होंगे। मैं तमाम प्रकार की एग्जम्पशंस को सीरियल वाइज तो मैंने देख लिया है, अब मैं यहां से भी देख सकता हूं। जैसे कि उनको मैंने इन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया तमाम प्रकार की एग्जम्पशंस को। ये चार्ट आपको अवेलेबल है ca rajkumar.com पर फ्री रिसोर्सेज के अंदर। दान, धर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सरकार, किसान, मनोरंजन, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, पैसेंजर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सोशल वेलफेयर और बिजनेस रिलेटेड, ये पहले ग्रुपिंग करिए कौन से में क्या निकल कर आ रहा है, तमाम आपकी यहां पर आ जाती हैं। उसके बाद एक और आपको मिलेगा रिमेंबर एग्जम्पशन, तो उसके लिए मैंने इनको दान धर्म जो अभी शीट दिखाई थी उसको खोल के दिया है। जैसे दान और धर्म, दान ये रहा और धर्म ये रहा। ये ट्रस्ट की बात करते हैं, कैलाश मानसरोवर, दान धर्म, शिक्षा ये आ गई, स्वास्थ्य ये आ गया है ना जी, और आपके गवर्नमेंट संबंधी तमाम एग्जम्पशंस ये रही, किसान संबंधी तमाम एग्जम्पशंस आपकी ये रही, एंटरटेनमेंट संबंधी तमाम बातें ये रही आपकी। ऐसे करके 5-6 पेज की शीट है। आई बिलीव कि अगर आप इसे करोगे तो निश्चित तौर पर आपको इसमें याद हो जाएंगी पूरी की पूरी एग्जम्पशंस। अभी बाबू समय है, एग्जाम में अभी टाइम है, इसलिए कम से कम एक बार तो आप जरूर कर लें। इसका जो वीडियो है, अभी जो दो मैंने आपको अलग अलग फाइलें दिखाई हैं, इनका वीडियो भी मैं इस वाली क्लास के जस्ट बाद अपलोड कर रहा हूं, यानी कि मेरे पास ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं उसको भी अभी अपलोड कर रहा हूं। तो उस वीडियो को भी आप जरूर जरूर देखेंगे। थोड़ा समय लग जाएगा क्योंकि आपका मान के चलिए 1.5 घंटा तो यहां हो चुका है, जिसमें 2 चैप्टर आपके कवर हो गए हैं। 1.5 घंटा ये हो गया और लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास की आपकी दूसरी वीडियो है। ये आप टाइम जरूर जरूर इन्वेस्ट करेंगे, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, क्योंकि एग्जम्पशंस बड़ा एरिया है। एक बार यहां से हो गया सीरियल नंबर वाइज, दूसरा आपका वहां से हो जाएगा ग्रुप वाइज, तो मजा सा आ जाएगा और एग्जम्पशन की टेंशन आपके दिमाग से निकल जाएगी। ठीक है जी। तो चलिए मालिक, आज अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं और उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं जी, तो मैं नाम दूंगा, इसको नाम दूंगा मैं 3, इस क्लास को नाम दूंगा 3, और जो अगली वाली एग्जम्पशन वाली उसको मैं नाम दूंगा 3A करके नाम दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये मर्जी है, एक ही क्लास मान के चलें, 1.5 घंटे की ये, लगभग 1 घंटे की हो, तो 2.5 घंटे की क्लास आप इसे मानकर चलेंगे। तो इन्हीं तमाम बातों के साथ अब मैं आपसे विदा लेता हूं। कल मैं आपको मिलूंगा फिर से वैल्यूएशन और अदर चैप्टर के साथ में। वैल्यूएशन चैप्टर का बहुत ही मस्त और मजेदार डायग्राम है आपकी कॉम्पैक्ट बुक के अंदर। अगर पढ़ने के बाद मुंह से आह और वाह ना निकले तो माय डियर आप मुझे बता दीजिएगा। तो यहां पर आकर मैं आपको एक बार नजर डलवा देता हूं। यह है मेरा यहां पर कंपटीशन ऑफ जीएसटी का डायग्राम, पूरा चैप्टर समेट कर रख दिया है एक सिंगल डायग्राम के। डायग्राम सिर्फ डायग्राम वैसे नहीं कि कुछ भी लेके बना दिया, एक एक चीज को सहेज सहेज करके, एक शब्द को बड़े तमीज और तरीके से यहां पर लिखा गया है। ठीक है जी। तो चलो मालिक, थैंक यू सो मच। राधा रानी कृपा आपके ऊपर सदा सदैव बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय और टाटा। ठीक है, और कर लेना प्लीज ये वाला लेक्चर, और जो अगला है 3A करके उसे जरूर जरूर आप कर लेंगे। बाय और टाटा।